हेलो एवरीवन, स्वागत करदा तुहाडे सारिआं दा तुहाडे इस अपने चैनल स्टडी पॉइंट 44 दे विच। सो बहुत दिन तो विद्यार्थी यही इंतजार विच हन कि आखिरकार पंजाब जीके दी मैराथन क्लास कदों आवेगी। सो फाइनली हुण तुहाडा इंतजार खत्म हो चुकिया है। सो इस क्लास दे विच आपां लगभग 500 प्लस पंजाब जीके दे MCQ कवर करांगे, जिस नाल तुहाडा लगभग 90% सिलेबस पंजाब जीके दा कवर हो जाएगा। सो वीडियो नूं शुरू करन तों पहलां तुहाडे लई एक बहुत ही वड्डी खुशखबरी है कि अपना ऐप लॉन्च हो चुक्या है, जिस विच तुहानूं सारा स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। जिहड़ी भी वीडियो चैनल ते अपलोड की जाएगी उसकी PDF तुहानूं ऐप ते ही प्रोवाइड की जाएगी। इस तों इलावा जिन्नियां भी पहलां वीडियोज़ अपलोड कीतियां जा चुकियां हन तां उहनां दी PDF भी तुहानूं ऐप ते ही प्रोवाइड कीतियां जाणगियां, जिवें कि अज दी इस वीडियो दी PDF भी तुहानूं ऐप ते ही मिलेगी। ऐप दा नेम भी अपना स्टडी पॉइंट 44 है, तो ऐप का लोगो भी तुसी अपनी डिस्प्ले ते देख सकते हो। इस तो अलावा ऐप ते तुहानूं होर भी बहुत सारा स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिवें कि ऑनलाइन क्लासेस। सो हुणे ही प्ले स्टोर ते विजिट करो ते ऐप नूं डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड किवें करनी है ये तुसीं छोटी जी वीडियो विच देख सकते हो। सो उम्मीद है कि तुसीं इस सारी इन्फॉर्मेशन नूं चंगी तरह समझ गए होगे। इस तो अलावा ऐप का लिंक तुहानूं अज दी इस वीडियो दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच प्रोवाइड करवा दिता गया है, सो उत्थे तुसीं विजिट करके ऐप नूं डाउनलोड कर सकते हो। इस तो अलावा हरेक विद्यार्थी नूं मैं एक छोटी जी होर रिक्वेस्ट करता हाँ कि अज दी इस वीडियो नूं लगभग जिन्ने भी थोड़े कोल WhatsApp अते Telegram ग्रुप हन स्टडी रिलेटेड, तां उहनां विच इस वीडियो नूं जरूर शेयर करना है अपनी अपनी ईमानदारी नाल, क्योंकि तुहानूं भी पता है कि वीडियो नूं बनाउण विच बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तां हुण आपां अज दी इस वीडियो नूं शुरू करते हाँ। हाँ जी, अपने कोल पहला प्रश्न दिता गया, पंजाब राज दी राजधानी कीड़ी है। पहला तुसी की करना है, हरेक प्रश्न का आंसर पहला अपने माइंड विच जरूर सोचना होगा। तो इस अपने कोल सही उत्तर रहेगा चंडीगढ़। हाँ जी, अपने पंजाब दी राजधानी कीड़ी है चंडीगढ़। इस तो अलावा जेकर थोड़े कोलो हरियाणा दी कैपिटल पूछी जाए तो फिर भी थोड़ा सही उत्तर की होगा चंडीगढ़। अगे अपने को आंसर भी दिते हुए हैं, ये तुम देख सकते हो, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर का नींह पत्थर रखा गया 1952 के। इस तो अलावा अपने को एक होर इतने प्रश्न बन जाता है कि चंडीगढ़ जोड़ा शहर सेगा इसका डिजाइन किसने किया, थोड़े को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सही उत्तर होगा ली कारबूजियर ने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया। एंड चंडीगढ़ एक UT कदों घोषित किया गया, जो अपना पंजाब बना सगा नवा पंजाब, उस समय चंडीगढ़ में एक UT घोषित किया गया, यानी कि 1966 के चंडीगढ़ में एक UT घोषित किया गया। चंडीगढ़ रिलेटिड अपने को एक होर प्रश्न बन जाता है कि सुखना लेक कितने है। इस तो अलावा जो अपने को रोज़ गार्डन है वह कितने है, तो फिर भी थोड़ा सही उत्तर की होगा चंडीगढ़ के। चंडीगढ़ का हार्ट किहड़े सैक्टर में कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो फिर थोड़ा सही उत्तर होगा सैक्टर जो 17 है, इसनों चंडीगढ़ का हार्ट भी कहा जाता है। सो इन गल्लां भी तुसी ध्यान विच जरूर रखना है। तो हुण आपां नैक्सट प्रश्न देख लैंदे हां जी, नवें पंजाब का गठन कदों किया गया सी। हाँ जी, इस दा आपां उत्तर देख लैंदे हां, इत्थे तुसी आंसर देख सकते हो, ए इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नवें पंजाब का गठन किया गया सीगा 1 नवंबर 1966 दे विच, नवें पंजाब का गठन किया गया से, ये थोड़ा हरेक विद्यार्थी पता होगा। इतने अपने को एक होर प्रश्न बनेगा कि नवें पंजाब का गठन किड़े कमीशन के तहत किया गया से, तो थोड़ा सही उत्तर की होगा शाह कमीशन के तहत अपने नवें पंजाब का गठन किया गया से। सो इस गल भी तुसी ध्यान विच जरूर रखना है। हुण अपने को अमेंडमेंट पूछी जाती है कि पंजाब का गठन किड़ी अमेंडमेंट के तहत किया गया से, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा 18वीं अमेंडमेंट के तहत अपने नवें पंजाब का गठन किया गया से। इस गल भी तुसी ध्यान विच जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंदे हां थर्ड नंबर प्रश्न। हाँ जी, हेठ लिखिया विचों किहड़े देश की हद पंजाब नाल लगती है, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जा नेपाल। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा पाकिस्तान। हाँ जी, इन विचों किहड़े देश की हद अपने पंजाब नाल लगती है, ओनली एक ही देश की हद लगती है पाकिस्तान नाल। थोड़े कोल ऐदां भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब राज दे नाल किन्ने देशों की हद लगती है, तो थोड़ा सही उत्तर की होगा एक देश की हद लगती है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान दे नाल अपने पंजाब दे किन्ने जिले टच करते हैं, तो थोड़ा सही उत्तर की होगा 6 जिले टच करते हैं। इस गल नूं भी तुसीं ध्यान विच रखना है। नैक्सट आप देख लेंदे हाँ जी, हेठ लिखियां विचों किहड़े राज की हद पंजाब राज नाल लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जां उपरोक्त सारे। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे।
हाँ जी हिमाचल प्रदेश की हद भी अपने पंजाब के नाल लगती है, हरियाणा की भी लगती है, एंड राजस्थान की भी लगती है। नैक्सट तुसीं इत्थे उत्तर भी देख सकते हो। इस तो अलावा पंजाब की जिहड़ी हद है दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाल भी लगती है, किहड़े किहड़े हन? एक अपने कोल है चंडीगढ़ अते दूसरा है जम्मू अते कश्मीर। तुहाडे कोल प्रश्न कमा के भी पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब नू किन्ने राज्यों की हद लगती है, तो थोड़ा सही उत्तर की होगा वर्तमान समय के पंजाब नू तीन राज्यों की हद लगती है एंड दो यूटियां की हद लगती, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की हद लगती है। सो इस गल विच तुसी कन्फ्यूज नहीं होना है, उत्ते आंसर टिक करना होगा। जेकर राज पूछे जाने तो तीन, जेकर यूटियां पूछे जाने तो दो, दोनों मिला के पूछे जाने केंद्र शासित प्रदेश एंड राज, तो फिर थोड़ा सही उत्तर होगा फाइव। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी पंजाब राज दा राज पशु कड़ा है, शेर चीता काला हिरन जां गां। इस प्रश्न का आंसर भी हरेक विद्यार्थी पता लग गया होगा, तो इस अपने को सही उत्तर हो जाएगा काला हिरन। हाँ जी पंजाब राज दा राज पशु कड़ा है ब्लैक बक, यानी कि काला हिरन। हुण जेकर आप गल करिए पंजाब की राज भाषा कि है, तुहानू हरेक विद्यार्थी पता होगा पंजाब की राज भाषा है पंजाबी, जिसनों टकसाली भाषा का नाम भी दिता जाता है। हुण जेकर आप गल करिए अगे आप देख लेंगे, हाँ जी पंजाब की राज भाषा कि है पंजाबी, पंजाब की राज खेड़ कि है कबड्डी, पंजाब का राज पंछी कि है बाज, इस तो अलावा पंजाब का राज दरख्त कि है टाली। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट में भी तुसी जरूर नोट कर लेना है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी जेकर वीडियो हेल्पफुल लग रही तो प्लीज़ इस वीडियो वो तो वह शेयर एंड लाइक भी कर दो। पंजाब राज दा राज पंछी कड़ा है ऑलरेडी मैं दस चुका सीगा, तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा बाज, पंजाब दा राज पंछी कड़ा है बाज। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी पंजाब राज दा राज दरख्त कड़ा है, तो थोड़ा सही उत्तर हो जाएगा टाली, यानी कि शीशम, पंजाब राज दा राज दरख्त कड़ा है टाली शीशम। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी पंजाब राज दा राज जल जीव कड़ा है, ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडस रिवर डॉल्फिन। हाँ जी पंजाब राज दा राज जल जीव कड़ा है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा इंडस रिवर डॉल्फिन। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी पंजाब अते हरियाणा की सांझी हाई कोर्ट कित्थे स्थित है, अंबाला चंडीगढ़ लुधियाना जां पटियाला दे विच, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा चंडीगढ़ के। हाँ जी पंजाब अते हरियाणा की जिहड़ी सांझी हाई कोर्ट है ये कित्थे है, ये चंडीगढ़ के स्थित है। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी पंजाब के पहले राजपाल का नाम की सीगा, कृष्ण सिंह, जैल सिंह, त्रिपाल सिंह, चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी सन पंजाब के पहले राजपाल। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इतने तुम आंसर भी दे सकते हो डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट अपना प्रश्न है पंजाब के पहले मुख्यमंत्री किस नियुक्त किया गया सीगा, गोपी चंद भार्गव, ज्ञानी जैल सिंह, गुरमुख सिंह मुसाफिर, प्रकाश सिंह बादल, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपी चंद भार्गव। हाँ जी पंजाब के पहले मुख्यमंत्री किस नियुक्त किया गया सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा गोपी चंद भार्गव। नैक्सट अपना प्रश्न है पंजाब हाई कोर्ट के पहले मुख्य जज कौन सन, ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, राम लाल, श्याम लाल, कृष्ण मुरारी, रवि शंकर चा, तो इस अपने को सही उत्तर रहेगा ए, यानी कि जस्टिस राम लाल जो सन ये पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के पहले मुख्य जज बने सन। नैक्सट जेकर आप गल करिए वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय के पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य जज कौन हैं, रवि शंकर चा, इस गल नूं भी तुसीं ध्यान विच रखना है। एंड जिहड़ी अपने कोल हाई कोर्ट है सांझी हाई कोर्ट पंजाब अते हरियाणा की, इसका डिजाइन भी ली कारबूजियर ने किया सीगा जो कि फ्रांस का रहने वाला सी। वर्तमान समय के जज इत्थे तुहानूं मैं दस चुका हाँ रवि शंकर चा। नैक्सट सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला प्रधान कौन बनया सीगा, बाबा राम सिंह, यादविंदर सिंह, खड़क सिंह, सुंदर सिंह मजीठिया, इस आप आंसर देख लेंगे डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सुंदर सिंह मजीठिया। हाँ जी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला प्रधान कौन बनया सीगा, सुंदर सिंह मजीठिया। इस तो अलावा अगे आप कुछ होर पॉइंट देख लेंगे, अपने को नैक्सट प्रश्न है पंजाब के वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन है,
ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਵਿਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ, ਇਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲ ਹਨ? 3, 4, 5 ਜਾਂ 6? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 5। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲ ਹਨ? 5 ਮੰਡਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੰਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰੋਪੜ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ 3 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ? 21, 22, 23? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਹੈ 14 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 14 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਸੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਹਨ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਠਿੰਡਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਰਨਾਲਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੌਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ? ਔਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਣਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਲੁਧਿਆਣਾ। ਐਂਡ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਪ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਤਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਲੰਧਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਰਿੰਡਾ, ਕਲਾਨੌਰ ਜਾਂ ਮਜੀਠਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਬੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਟਿਆਲਾ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, IIT ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, IIT ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਨ? ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਸਾਫਰ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ, ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਸਾਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਸਾਫਿਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ 5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤਰ ਤੋਂ
दक्षण तक की कुल दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर, 223 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 335 किलोमीटर। हाँ जी, इस अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 335 किलोमीटर है पंजाब की उत्तर तो दक्षण तक की कुल दूरी। नैक्सट जेकर आप गल करिए पूर्व तो पछम तक की दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। नैक्सट पंजाब का आकार किहो जिहा है? हरेक विद्यार्थी को पता है बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, तिकोना है। नैक्सट आप मूव करते हैं जी, पंजाब भारत के कुल खेत्रफल का किन्ने प्रतिशत है? 1.50%, 1.54%, 2.50 या 2.54%। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1.54% है पंजाब भारत के कुल खेत्रफल का हिस्सा। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, कंडी खेत्र पंजाब के किड़े जिले में मिलता है? पठानकोट, हुशियारपुर, रूपनगर या उपरोक्त सारे। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सारे। हाँ जी, कंडी खेत्र जो है ये पंजाब के किड़े जिले में मिलता है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, पठानकोट के मिलता है, हुशियारपुर के भी एंड रूपनगर के भी। नैक्सट अपना प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों केड़ा जिला माझा खेत्र विच आउंदा है? गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण या उपरोक्त सारे। थोनों पता होगा कि माझे खेत्र के विच कुल 4 जिले आते हैं, तो इस अपने को उत्तर आएगा डी, यानी कि उपरोक्त सारे जिले ही माझे खेत्र के विच आते हैं, गुरदासपुर भी, पठानकोट भी, तरन तारण भी, एंड लास्ट अपने को अमृतसर। इस तो अलावा जो दुआबा अपने को खेत्र है उस दे विच भी 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इस गल नूं तुसीं ध्यान में रखना है। इस तो अलावा जिहड़ा मालवा खेत्र है उस दे विच कुल 15 डिस्ट्रिक्ट आते हैं वर्तमान समय के, पहला 14 सी बट तुहानूं पता है नवा मलेरकोटला जिला बन चुका है, इस करके मालवे खेत्र दे विच टोटल 15 जिले आते हैं। नैक्सट आप देख लेंगे जी, दुआबे विच किन्ने जिले आते हैं? ऑलरेडी मैं दस चुका हाँ बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मालवे खेत्र में पंजाब के किन्ने जिले आते हैं? डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 15 जिले आते हैं। हाँ जी, यूनानिया ने पंजाब नूं किहड़ा नाम दिता सी? इस प्रश्न का आंसर भी हरेक विद्यार्थी नूं पता होना चाहिए, पैटोपोटामिया, पचनंद, पंजाब या सप्त सिंधु। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पैटोपोटामिया। हाँ जी, यूनानिया ने पंजाब नूं किहड़ा नाम दिता सी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, पैटोपोटामिया। हुण जेकर आपां गल करिए ऋग्वेद दे विच पंजाब नूं की नाम दिता गया सी? सप्त सिंधु। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब नूं की नाम दिता सीगा? सूबाए लाहौर। सो इन्हां नूं भी तुसीं ध्यान विच जरूर रखना है। नैक्सट, पंजाब जिहड़ा शब्द है ये किहड़ी भाषा का शब्द है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, ये फारसी भाषा का शब्द है अपना पंजाब। नैक्सट आपां मूव करते हाँ हाँ जी, सतलुज दरिया का प्राचीन नाम की सीगा? सतलुतरी, विपासा, अस्कनी या शतुदरी। तो इस अपने को उत्तर की रहेगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, शतुदरी। हाँ जी, सतलुज जिहड़ा दरिया है इसका प्राचीन नेम की है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, शतुदरी। नैक्सट, अस्कनी किहड़े दरिया का प्राचीन नाम सीगा? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, चिनाब। हाँ जी, अस्कनी किहड़े दरिया का प्राचीन नाम है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, चिनाब। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, रावी दरिया का पुराना नाम की सीगा? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पुरोशनी। हाँ जी, जिहड़ा रावी दरिया है इसका पुराना नाम की है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, पुरोशनी। नैक्सट, सतलुज दरिया की उत्पत्ति किहड़े देश तो हुंदी है? तो इस अपने को उत्तर आएगा सी, यानी कि तिब्बत तो हुंदी है सतलुज दरिया की उत्पत्ति। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सतलुज दरिया नाल रिलेटिड आप कुछ होर प्रश्न देख लेंगे। थोड़े को प्रश्न पूछा जाएगा कि पंजाब का सब तो वड्डा दरिया किहड़ा है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, सतलुज दरिया। सब तो छोटा दरिया पूछा जाए तो फिर थोड़ा सही उत्तर की होगा, रावी दरिया। जिहड़ी सरहंद नहर है वह किहड़े दरिया विचों कढ़ी गई है? तो फिर भी थोड़ा सही उत्तर की होगा, सतलुज। इस तो अलावा जेकर आप गल करिए रावी दरिया के नाल पंजाब के किन्ने जिलों की सरहद लगती है? थोड़ा सही उत्तर की होगा, 3। ब्यास पूछा जाए 6, सतलुज पूछा जाए तो 9। 3, 6, 9 ईजली इसको तुसी याद रख सकते हो। इस तो अलावा पंजाब की रीढ़ की हड्डी पंजाब के किहड़े दरिया को कहा जाता है? तो थोड़ा सही उत्तर की होगा, सतलुज दरिया।
नैक्सट आप देख लेंदे हाँ जी, सतलुज दरिया पंजाब के किहड़े जिले विचों हाजिर हुंदा है? नवांशहर, पठानकोट, हुशियारपुर जां रोपड़? तां इस अपने कोल उत्तर रहेगा डी, यानी कि रोपड़ नंगल। हाँ जी, सतलुज दरिया जिहड़ा है ये पंजाब के किहड़े जिले विचों हाजिर हुंदा है? रोपड़ जिले विचों हाजिर हुंदा है, नंगल नाम की जगह तो। नैक्सट, पाखड़ा बन किहड़े दरिया ते बनिया होया है? ब्यास, रावी, सतलुज जां चिनाब? इस प्रश्न का भी आंसर हरेक विद्यार्थी पता लग गया होगा, तो इसका आंसर देख लेंदे हां, सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सतलुज। हाँ जी, जिहड़ा पाखड़ा बन है ये किहड़े दरिया के उपर बनया होया है? तो थोड़ा सही उत्तर की होगा, सतलुज दरिया के उपर बनया होया है। नैक्सट, त्रिमाब क्या जाता है? रावी, चनाब, जहलम ज उपरोक्त तिना के मेल में? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त तिना के मेल में ही त्रिमाव का नाम दिता जाता है, यानी कि रावी, चनाव, जहलम, हाँ जी, इन तिना दरियावान के मेल में ही त्रिमाव का नाम दिता जाता है। इस तो अलावा वर्तमान समय के तीन दरिया लंघते हैं, तो कि सतलुज, ब्यास, रावी। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, हेठ लिखा विचों किहड़ा शहर सतलुज दरिया के कंडे ते वसया होया है? रोपड़, फिलौर, हरीके जां उपरोक्त सारे? तो इस अपने अपने को आंसर देख लेंगे, डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सारे। हाँ जी, ये सारे ही शहर जो हैं सतलुज दरिया के कंडे ते हैं, रोपड़ भी, फिलौर भी, हरीके भी। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, ब्यास दरिया किहड़े दरे तो निकलता है? जोजिला, तुजू, बारालाचरा जां रोहतांग दरा? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बारालाचा। हाँ जी, ब्यास जिहड़ा दरिया किहड़े दरे तो निकलता है? बारालाचा दरे तो निकलता है। ब्यास दरिया पंजाब दे, सॉरी, इसका डी अपने को राइट ऑप्शन होगा, रोहतांग। ब्यास दरिया किहड़े दरे तो निकलता है? रोहतांग दरे तो निकलता है। ब्यास दरिया पंजाब दे किहड़े जिले विचों हाजिर हुंदा है? जलंधर, हरीके, तरन तारण ज हुशियारपुर? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, हुशियारपुर। हाँ जी, जिहड़ा ब्यास दरिया है ये पंजाब के हुशियारपुर जिले विचों हाजिर हुंदा है। ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब किहड़े दरिया के कंडे ते है? सतलुज, ब्यास, चिनाब ज पार्वती? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, पार्वती। हाँ जी, जिहड़ा गुरुद्वारा मणिकरण साहब है ये किहड़े दरिया के कंडे ते है? पार्वती दरिया के कंडे ते है। नैक्सट, पौंग डैम का निर्माण किहड़े दरिया ते कीता गया है? सतलुज, चिनाब, रावी ज ब्यास? हाँ जी, इस प्रश्न का आंसर भी हरेक विद्यार्थी पता लग गया होगा, तो इस अपने को उत्तर रहेगा, डी यानी कि ब्यास। हाँ जी, जिहड़ा पौंग डैम है इसका निर्माण किहड़े दरिया ते कीता गया है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, ब्यास दरिया ते कीता गया है। नैक्सट आप देख लेंदे हाँ जी, थीन डैम जां थीन बन जिसनों रणजीत सागर डैम भी कहा जाता है ये किहड़े दरिया ते बनया होया है? ब्यास, रावी, सतलुज जां चिनाब? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, रावी। हाँ जी, थीन जिहड़ा बन है ये किहड़े दरिया ते बनया होया है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, रावी दरिया ते बनया होया है। नैक्सट, किहड़े दरिया नूं लुप्त हुई नदी का नाम दिता जाता है? जेलम, कग्गर, चिनाब ज सतलुज? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कग्गर। हाँ जी, जिहड़ा कग्गर दरिया है इसनों लुप्त हुई नदी का नाम ही दिता जाता है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, पंजाब के किन्ने जिले सतलुज दरिया नाल लगते हैं? ऑलरेडी मैं थोड़ा दस चुका हाँ, इस प्रश्न को तुसी ईजली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, नाइन। हाँ जी, पंजाब के किन्ने जिले सतलुज दरिया नाल लगते हैं? तो थोड़ा सही उत्तर की होगा, नौ जिले सतलुज दरिया नाल लगते हैं। रावी नाल तीन लगते हैं, ब्यास नाल छे, अते सतलुज नाल नौ। तुसी ईजली याद रख सकते हो। हाँ जी, हेठ लिखा विचों किहड़ा जिला रावी दरिया नाल लगता है? अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर जां उपरोक्त सारे? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सारे। हाँ जी, अमृतसर जिला भी ब्यास दरिया नाल लगता है, पठानकोट भी, गुरदासपुर भी। हाँ जी, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। पंजाब के किन्ने जिले ब्यास दरिया नाल लगते हैं? बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, छे। पंजाब के किहड़े जिले में सब तो वध जंगलात खेत्र है? हुशियारपुर, रोपड़, नवांशहर जां पठानकोट?
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਚੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਚੋਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਐਂਡ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 21। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹਨ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 21। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਐਂਡ 9 ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹਨ ਮੈਨ ਮੇਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹਨ? ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 9। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਰੀਕੇ, ਕਾਂਚੜੀ, ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਨੰਗਲ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰੀਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ ਭੂਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਰੀਕੇ। ਨੈਕਸਟ, ਕਾਂਚਲੀ ਤਰ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਂਚਲੀ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ। ਨੈਕਸਟ, ਰੋਪੜ ਤਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਥਲ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਪੜ ਜਿਹੜੀ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਥਲ ਕਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰੀਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ? ਡੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੀਵਾਲ, ਕੋਟਲੀ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ, ਬਰੇਟਾ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ, ਸੀਤਲ ਸਾਗਰ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਪਸ਼ੂ ਸਥਲ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਪਸ਼ੂ ਸਥਲ ਖੇਤਰ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਰੇਤਲੀ, ਚੀਕਣੀ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਚੀਕਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਐਂਡ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਲੋੜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾਰੂਥਲੀ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਥਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਥਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਤਾਂਬਾ ਯੁੱਗ, ਕਾਂਸਾ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਲੋਹਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕਾਂਸਾ ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਬਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾਂਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਂਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
इतिहासिक सभ्यतावां दा पंगूड़ा क्या जांदा है, अपने पंजाब नूं ही इतिहासिक सभ्यतावां दा पंगूड़ा क्या जांदा है, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट, हड़प्पा सभ्यता नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा है, तांबा युग, पित्तल युग, लोहा युग जां इन्हां विच्चों कोई नहीं। तां इसका आपां आंसर देख लैंदे हां, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पित्तल युग। हाँ जी, हड़प्पा सभ्यता नूं ही अपने पित्तल युग के नाम नाल भी जाणिया जांदा है। नैक्सट आपां मूव करदे हां जी, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कदों हुई सी, 1921, 1922, 1923 जां 1920 दे विच। तां इसका आपां उत्तर देख लैंदे हां, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 1921 दे विच हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई सी। नैक्सट आपां मूव करते हैं जी, पंजाब के किहड़े जिले विचों हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, लुधियाणा, पटियाला, जलंधर जां रोपड़। सो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आपां उत्तर देख लेंदे हां, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, रोपड़। हाँ जी, पंजाब का किहड़ा जिला है जिथों हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर चिन्ह मिले हैं, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, रोपड़। नैक्सट, हेठ लिखिया विचों किहड़े ग्रंथ की रचना पंजाब की धरती ते कीती गई है, महाभारत, रामायण, उपरोक्त दोनों जां पद्मावत। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त दोनों। हाँ जी, महाभारत ते रामायण, हाँ जी, इन दोनों ग्रंथों की रचना ही अपने पंजाब दे धरती ते कीती गई है। थोनों पता होगा जी पद्मावत रचना है ये किसती है, मलिक मुहम्मद जायसी की। इस गलों तुम ध्यान में रखना, प्रश्न अपने को एग्जाम पूछा जा सकता है कि पद्मावत रचना जी है ये किसती लिखी हुई है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, मलिक मुहम्मद जायसी। महाभारत के रचनाकार कौन सन, वेद व्यास, रामायण के वाल्मीकि। सो इन गलों भी तुम ध्यान रखना है। नैक्सट आप देख लेते हाँ जी, सिकंदर ने पंजाब ते कदों हमला किया, 326 BC, 321 BC, 330 BC या 324 BC। तो इसका आप आंसर देख लेते हैं, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 326 BC दे विच सिकंदर ने अपने पंजाब ते हमला किया। अपने को प्रश्न पूछा जाएगा कि सिकंदर ने पंजाब ते किहड़े किहड़े दरे राही पंजाब ते हमला किया, तो थोड़ा सही उत्तर की होगा, खैबर। जिन्हें भी राजे सन, तो थोड़े को जिहड़ा भी पूछा जाए, थोड़ा सही उत्तर की होगा, खैबर दरे राही ही अपने पंजाब ते हमले किए गए सन। नैक्सट आप देख लेना जी, कलिंगा का युद्ध कदों होया सी, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 261 BC दे विच कलिंगा का युद्ध होया सी। नैक्सट, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी सी, श्री गुप्त, कुमार गुप्त, समुंदर गुप्त जां चंद्र गुप्त। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, श्री गुप्त। हाँ जी, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी सी, श्री गुप्त ने की थी। नैक्सट, ह्यूंग सांग किस दे शासनकाल विच भारत आया सीगा, समुंदर गुप्त, चंद्र गुप्त, श्री गुप्त जां हर्षवर्धन। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, हर्षवर्धन। हाँ जी, ह्यूंग सांग जो कि एक चीनी यात्री सीगा, ये हर्षवर्धन के शासनकाल दे विच भारत आया सी। नैक्सट, मुहम्मद गजनी ने भारत ते किन्नी बार हमला किया सी, 8, 17, 15 जां 10। तो इसका आप आंसर देख लेते हैं, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 17 बार। हाँ जी, मुहम्मद गजनवी ने पंजाब ते कुल 17 बार हमला किया सी, सॉरी भारत ते। नैक्सट आप देखते हैं हाँ जी, तराइन की जिहड़ी दूजी लड़ाई सी ये कदों हुई सी, ये इत्थे अपने को प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 1192 दे विच तराइन की दूजी लड़ाई हुई सी। इस तो अलावा जी तराइन की पहली लड़ाई हुई सी ये कदों हुई सी, 1191 दे विच। एंड ये लड़ाइया किन्ना किन्ना दे विचकार हुई सन, पृथ्वीराज चौहान अते मुहम्मद गौरी दे विचकार ये लड़ाइया हुई सन। नैक्सट, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी सी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबद्दीन ऐबक जां मुहम्मद गौरी। तो इसका आप आंसर देख लेंदे हां, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कुतुबद्दीन ऐबक। हाँ जी, जिहड़ा गुलाम वंश है जिसनों दास वंश भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना की सी कुतुबद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश नाल रिलेटेड अपने को एक प्रश्न पूछा जाता है कि
कि दिल्ली सल्तनत का वह किहड़ा राजा सी जां किहड़ा सुल्तान सी जिसने लाहौर तो राजधानी दिल्ली नूं बनाया सी। तो तुहाडा सही उत्तर की हो जाएगा इल्तुतमिश। इस तों इलावा बलबन नाल रिलेटिड अपने कोल एक प्रश्न पूछा जाता है कि लहू अते लोह की नीति किहड़े सुल्तान ने अपनाई सी। तो तुहाडा सही उत्तर की हो जाएगा बलबन ने। इल्तुतमिश नाल रिलेटिड अपने कोल एक होर प्रश्न पूछा जाएगा कि दल चालसा की स्थापना किसने की सी। तो तुहाडा सही उत्तर की हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इस तों इलावा दल चालसा का अंत किन्ना द्वारा किया गया सी। तो फिर तुहाडा सही उत्तर की होगा बलबन द्वारा किया गया सी। हुण जेकर आपां गल करिए इल्तुतमिश नाल रिलेटिड एक होर प्रश्न पूछा जाएगा अपने कोल कि रजिया सुल्तान जिहड़ी सीगी ओह किसदी बेटी सी। तो तुहाडा सही उत्तर की हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी सी। इस गल नूं वी तुसीं ध्यान में रखना है। नैक्सट आपां मूव करदे हां जी, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन सीगी। तो इस अपने को उत्तर आएगा बी यानी कि रजिया सुल्तान। हाँ जी, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन सी, रजिया सुल्तान। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, खिलजी वंश का सब तो शक्तिशाली शासक कौन सीगा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन। तो इस आप आंसर देख लेंगे हाँ, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी। हाँ जी, खिलजी वंश का सब तो शक्तिशाली शासक कौन सीगा। तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नैक्सट, तुगलक वंश की नींह किसने रखी सी, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक या मुबारक शाह। तो इसका आप उत्तर देख लेंगे हाँ, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींह रखी सी। हुण जेकर आपां गल करिए फिरोज शाह तुगलक, तो इसनों पर उपकारी राजा भी कहा जाता जां पर उपकारी सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल के समय बहुत सारिया नहरां का निर्माण करवाया सी, यानी कि जिन्हें भी काम सन इन्होंने पलाई के काम किए सन, इस करके इसनों बहुत ही वधिया राजा मनिया जाता है फिरोज शाह तुगलक नूं। हुण जेकर आपां गल करिए मुहम्मद बिन तुगलक, तो इसनों पढ़िया लिखा मूर्ख राजा भी कहा जाता है मुहम्मद बिन तुगलक नूं, यानी कि यह पढ़िया तो बहुत सीगा बट इन्हें जिन्हें भी काम किए सन वह अनपढ़िया वर्गे किए सन, इस करके पढ़िया लिखा मूर्ख किसनों कहा जाता है मुहम्मद बिन तुगलक नूं ही कहा जाता है। नैक्सट आप देख लेंदे हां जी, तैमूर वंश वालों पंजाब विच नियुक्त किया गया गवर्नर किहड़ा सीगा। इस प्रश्न तुसी छड़ सकते हो, लोधी वंश का आखिरी शासक कौन सी, बहलोल खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खां लोधी। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बहलोल खान लोधी। हाँ जी, थोड़े को प्रश्न पूछा जाएगा कि लोधी वंश का आखिरी शासक कौन सीगा, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा बहलोल खां लोधी। हुण जेकर आप गल करिए लोधी वंश का आखिरी शासक, तो फिर थोड़ा सही उत्तर की होगा इब्राहिम लोधी जो सीगा, ये लोधी वंश का आखिरी शासक सी, प्रसिद्ध शासक पूछा जाए लोधी वंश का, तो फिर थोड़ा सही उत्तर होगा सिकंदर लोधी। नैक्सट, पानीपत के पहले युद्ध में किसकी जित हुई सी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर, बाबर या बहलोल खां लोधी। पानीपत का पहला युद्ध कदों होया सी, 1526 ईस्वी के विच। इस अपने को सही उत्तर रहेगा सी यानी कि बाबर की जी, पानीपत का जो पहला युद्ध होया सीगा, तां इस दे विच बाबर की जित हुई सी, इस दे नाल ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिती सी एंड लोधी वंश का अंत हो गया सी इस युद्ध तो बाद। मुगल साम्राज्य की स्थापना किहड़े शासक ने कीती सी, जहांगीर, अकबर, शाहजहां जां बाबर। ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुक्या हाँ, तो इस अपने कोल उत्तर आएगा बाबर। हाँ जी, मुगल साम्राज्य की स्थापना किहड़े शासक ने कीती सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा ये कीती सी बाबर ने। नैक्सट आप देख लेंदे हाँ जी, सिख धर्म के मोढ़ी मने जाते हैं। हुण अपने कोल जिन्ने भी अगे प्रश्न आउणगे सिख धर्म नाल रिलेटिड ने, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु तेग बहादुर जी या गुरु अर्जन देव जी। तो इस आप उत्तर देख लेंदे हाँ, श्री गुरु नानक देव जी नूं ही सिख धर्म के मोढ़ी मनिया जाता है। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म किहड़े स्थान पर होया सी। तो इस अपने को उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ननकाणा साहिब। हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म किहड़े स्थान पर होया सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा ननकाणा साहिब। थोड़े को प्रश्न पूछा जाएगा कि श्री गुरु नानक देव जी ने, सॉरी अपने को प्रश्न पूछा जाएगा
कि लंगर की प्रथा शुरू किसने किया तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा श्री गुरु नानक देव जी ने ही लंगर की प्रथा स्टार्ट किया जदों उन्होंने भुखे साधुओं खाना खवाया उस समय तो ही लंगर की प्रथा स्टार्ट हो गई सी। नैक्सट आप मूव करते हाँ हाँ जी श्री गुरु नानक देव जी के अध्यापक का नाम की सी जिन्हों तो आपने उर्दू और अरबी भाषा सीखी सी मौलवी त्याग सिंह श्री चंद जां मोल चंद तो इसका आप आंसर देख लेते हैं ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मौलवी। हाँ जी श्री गुरु नानक देव जी के उस अध्यापक का नाम की सीगा जिन्हों तो आपने उर्दू और अरबी सीखी सी तो इसका अपने को उत्तर होगा मौलवी। नैक्सट आप देखते दे हाँ जी श्री गुरु नानक देव जी ने किड़े नवाब के मोदीखाने काम किया इसका आप उत्तर देख लेंदे हाँ सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दौलत खां। हाँ जी श्री गुरु नानक देव जी ने किड़े नवाब के मोदीखाने काम किया तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा दौलत खां ने मोदीखाने काम किया। नैक्सट श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना किड़े स्थान पर मिले सन लाहौर सुल्तान मुल्तान जां तुलंबा तो इसका आप उत्तर देख लेंदे हाँ बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सुल्तानपुर। हाँ जी श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना किड़े स्थान पर मिले सन तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा सुल्तानपुर विखे मिले सन। नैक्सट श्री गुरु नानक देव जी बेई नदी में किन्ने दिन अलोप रहे सन थोड़े को प्रश्न पूछा जाएगा कि श्री गुरु नानक देव जी ने ज्ञान की प्राप्ति किहड़ी नदी दे विच होई सी तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा काली बेई नदी दे विच इन्हां नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई सी तो यह किन्ने दिन अलोप रहे सन तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ये तीन दिन अलोप रहे सन। नैक्सट श्री गुरु नानक देव जी ने ज्ञान की प्राप्ति तो बाद सब तो पहला किहड़े शब्द कहे सन सब का मालिक एक है ना को हिंदू ना को मुसलमान उपरोक्त दोनों जां सचखंड की प्राप्ति तो इस तो अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ना को हिंदू ना को मुसलमान ये कह सन ज्ञान की प्राप्ति तो बाद श्री गुरु नानक देव जी ने सब तो पहला शब्द। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी लंगर प्रथा की शुरुआत किहड़े गुरु ने की सी ऑलरेडी मैं तुम्हें दस चुका हाँ श्री गुरु नानक देव जी ने ही लंगर प्रथा की शुरुआत की सी। श्री गुरु नानक देव जी ने किन्ने शब्दों की रचना की सी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा तो इसका अपना उत्तर रहेगा डी यानी कि 974 शब्दों की रचना की है सिखा के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने। नैक्सट आप देखते हाँ हाँ जी हेठ लिखा विचों केड़ी रचना श्री गुरु नानक देव जी की है बारह माह सिद्ध गोष्ठ आसा की वार जां उपरोक्त सारे तो इस अपने को सही उत्तर रहेगा डी यानी कि उपरोक्त सारे। हाँ जी ये सारिया रचनावान श्री गुरु नानक देव जी दियां यानी कि बारह माह भी सिद्ध गोष्ठ भी आसा की वार भी। नैक्सट आप होर रचनावान देख लेंगे बारह माह तुम देख सकते हो एक ओंकार कीर्तन सोले तो यह भी इन्हों रचनावान हैं इस अलावा अपने को जपजी साहब भी इन्हों की रचना है। हिंदुओं का पीर अते मुसलमानों का पीर कहा जाता है श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु हर गोबिंद जी श्री गुरु नानक देव जी जां श्री गुरु इत्थे अपने को दोनों ऑप्शन अपने को एको वर्ग आ गया अर्जन देव जी तो इस अपने को उत्तर रहेगा सी यानी कि श्री गुरु नानक देव जी ने ही हिंदुओं का पीर अते मुसलमानों का पीर भी कहा जाता है। नैक्सट 100 नंबर प्रश्न अपना आ चुका है श्री गुरु नानक देव जी कदों ज्योति जोत समाए सन इस प्रश्न का भी आंसर हरेक विद्यार्थी को पता लग गया होगा तो इस अपने को उत्तर की रहेगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1539 ईस्वी के श्री गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाए सन। नैक्सट हेठ लिखा विचों केड़ा शहर श्री गुरु नानक देव जी ने वसाया सी करतारपुर कीरतपुर सुल्तानपुर जां गोइंदवाल साहब तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा करतारपुर। हाँ जी श्री गुरु नानक देव जी ने किहड़े शहर की स्थापना की सी तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा करतारपुर शहर की स्थापना की सी। करतारपुर शहर किहड़े अपने देश के विच है ये है पाकिस्तान के विच इस गल नूं तुसीं ध्यान में रखना होगा बट जिहड़ा अपना करतारपुर पंजाब के विच है तो उसकी स्थापना की सी सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने। नैक्सट अपना प्रश्न है श्री गुरु नानक देव जी के समय किहड़े मुगल बादशाह का शासनकाल सी बाबर हुमायूं उपरोक्त दोनों जां अकबर तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त दोनों यानी कि बाबर ते हुमायूं बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे। नैक्सट भाई लहणा जी गुरु बन तो पहला किस दे भगत सन भाई लहणा
यानी कि सिखा दे सैकिंड गुरु श्री गुरु अंगद देव जी गुरु बन तो पहला किन्ना दे भगत सन, ये अपने को प्रश्न पूछा गया, तो इस अपने को उत्तर रहेगा सी यानी कि दुर्गा दे भगत सन। हाँ जी, नैक्सट आप मूव करते हाँ, हेठ लिखा विच्चों केड़े शहर की स्थापना श्री गुरु अंगद देव जी ने की सी, गोइंदवाल साहब, कीरतपुर, खडूर साहब ज अमृतसर। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा खडूर साहब। हाँ जी, इन्हां विच्चों केड़े शहर की स्थापना सिखां दे सैकिंड गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने की है, तो थोड़ा सही उत्तर हो जाएगा खडूर साहब। नैक्सट, गुरुमुखी लिपि की काढ़ किसने कढ़ी सी, श्री गुरु अमरदास जी, अंगद देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई गुरदास जी। तो इस अपने को भी सही उत्तर रहेगा बी, यानी कि श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि को एक नवा रूप दिता सी। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप देखते हैं, हाँ जी, भाई बाले वाली जन्म साखी किसने लिखी सी, श्री गुरु नानक देव जी ने, भाई लहणा जी, भाई जेठा जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा भाई लहणा जी। हाँ जी, भाई बाले वाली जन्म साखी किसने लिखी सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा भाई लहणा जी ने लिखी सी, यानी कि सिखा दे सैकिंड गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने लिखी सी। हुण जेकर आप गल करिए भाई जेठा जी, तो यह गुरु किहड़े गुरु का अपने को नेम सीगा, यानी किहड़े गुरु कहा जाता सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा श्री गुरु रामदास जी का नाम सीगा भाई जेठा जी। इस तो अलावा श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं त्याग मल के नाम नाल भी जाणिया जाता है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, मल अखाड़ा परंपरा की शुरुआत किसने की सी, ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस आप उत्तर देख लेंगे डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री गुरु अंगद देव जी ने मल अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की सी। नैक्सट आप देखते हाँ जी, श्री गुरु अंगद देव जी कित्थे ज्योति जोत समाए सन, गोइंदवाल साहब, अमृतसर यानी कि अमृतसर, खडूर साहब ज कीरतपुर। तो इस अपने को उत्तर आएगा सी, यानी कि खडूर साहब। हाँ जी, श्री गुरु अंगद देव जी कित्थे ज्योति जोत समाए सन, तो इस अपने को उत्तर आएगा खडूर साहब, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट, हेठ लिखा विच्चों किहड़े गुरु पहला विष्णु भगत नूं मनदे सन, श्री गुरु अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव जी, श्री गुरु हरगोबिंद जी। तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि श्री गुरु अमरदास जी जो सन, ये अपने विष्णु भगत को मनते सन, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट, इन्हां विच्चों किहड़े शहर की स्थापना श्री गुरु अमरदास जी ने की सी, तरन तारण, कीरतपुर, सुल्तानपुर, गोइंदवाल साहब। तो इस आप उत्तर देख लेंगे डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा गोइंदवाल साहब। हाँ जी, जो गोइंदवाल साहब शहर है, तो इसकी स्थापना की सिखां दे तीजे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने, एंड श्री गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा की स्थापना भी की सी। टोटल मंजिया की गिनती कितनी सी, थोड़े को प्रश्न पूछा जा सकता है, टोटल मंजिया की गिनती सी 22, एंड मंजी का जोड़ा मुखी सी उसनों की कहा जाता सी, मंजीदार उसनों कहा जाता सी। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब विखे किनिया पौड़ियों का निर्माण करवाया सी, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 84। हाँ जी, श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब विखे 84 पौड़ियों का निर्माण करवाया सी। नैक्सट, संगत अते पंगत प्रथा की शुरुआत किहड़े गुरु जी ने की सी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु नानक देव जी। तो इसका आंसर देख लेंगे ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री गुरु अमरदास जी ने संगत अते पंगत की प्रथा की शुरुआत की सी। जेकर कल्ली लंगर प्रथा पूछी जाए तो फिर थोड़ा सही उत्तर होगा श्री गुरु नानक देव जी। नैक्सट, श्री गुरु अमरदास जी ने केड़ा बादशाह गोइंदवाल साहब, श्री गुरु अमरदास जी ने केड़ा बादशाह गोइंदवाल साहब विखे मिलिया सी, बाबर, हुमायूं, अकबर जां जहांगीर। तो इसका आप उत्तर देख लेंगे सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अकबर। हाँ जी, जिहड़ा अकबर मुगल बादशाह सीगा, यह श्री गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब विखे मिले सन। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, आनंद कार्ज की प्रथा किहड़े गुरु ने शुरू की सी, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आप उत्तर देख लेंगे ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सिखा दे तीजे गुरु श्री गुरु अमरदास जी ने ही आनंद कार्ज की प्रथा की शुरुआत की सी। नैक्सट, सिखा दे चौथे गुरु कौन सन, तो इसका अपने को उत्तर आएगा सी, यानी कि भाई जेठा जी। हाँ जी, सिखा दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी सन, एंड इन्हों का नाम सीगा
भाई जेठा जी, यानी कि इन्हों भाई जेठा के नाम भी जाणिया जाता है। नैक्सट, श्री गुरु रामदास जी का जन्म कदों सॉरी कित्थे होया सी, लाहौर, मुल्तान, अमृतसर ज फिरोजपुर? तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा लाहौर के। हाँ जी, चूना मंडी लाहौर के सिखां दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का जन्म होया सी। नैक्सट आप देखते हाँ जी, हेठ लिखा विचों किहड़े शहर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने की सी? करतारपुर, कीरतपुर, गोइंदवाल साहब ज अमृतसर? तो इसका अपने को उत्तर होगा डी, यानी कि अमृतसर। हाँ जी, जो अमृतसर शहर है तो इसकी स्थापना की सिखां दे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने। हाँ जी, अमृतसर शहर का पुराना नाम की सीगा? रामदासपुरा। थोड़े को डेट पूछी जा सकती है कि अमृतसर शहर की स्थापना कदों की गई सी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा 1577 ईस्वी के अमृतसर शहर की स्थापना की गई सी। डेट नूं तुसीं जरूर याद रखना होगा। हुण जेकर आपां गल करिए अमृतसर शहर के जिहड़ा हरिमंदर साहब है, तो उसका नींह पत्थर किसने रखा सी? सूफी संत मियाँ मीर जी ने श्री हरिमंदर साहब का नींह पत्थर रखा सी 1599 ईस्वी के। कुछ बुक्स में आपको 1588 भी मिलेगा। दोनों ही डेट अपने को महत्वपूर्ण रहनगियां, यानी कि दोनों ही डेट अपने को सही हैं। बट इसका जेकर आप गल करिए निर्माण किसने करवाया सी, तो फिर थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब का निर्माण करवाया सी। तो नैक्सट आप मूव करते हाँ, इतने तुम देख सकते हो रामदासपुरा शहर की स्थापना 1577 ईस्वी के की गई सी। हेठ लिखा विचों अमृतसर का पुराना नाम की सीगा? ऑलरेडी मैं दस चुका हाँ, तो इसका अपने को उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। श्री अमृतसर साहब नूं गुरु का चक अते रामदासपुरा भी कहा जाता है। माखोवाल तुहानूं पता होगा एक किस शहर का पुराना नाम है? आनंदपुर साहब। सो इस गल नूं भी तुसीं ध्यान विच रखना है, चक नानकी भी इस नूं कहा जाता है, बट गुरु का चक अमृतसर नूं कहा जाता है। नैक्सट आप देख लें हाँ जी, लावां की रचना किन्हां ने की सी? भाई लहणा जी, श्री गुरु अमरदास जी, भाई जेठा जी, जां त्यागमल? तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा भाई जेठा जी। हाँ जी, लावां की रचना किसने की सी? तो थोड़ा सही उत्तर की होगा भाई जेठा जी, यानी कि श्री गुरु रामदास जी ने। नैक्सट, ब्याह दे विच गाईयां जाण वालियां कौड़ियां की रचना किसने की है? इस प्रश्न का भी आंसर हरेक विद्यार्थी नूं पता लग गया होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो इसका आप अपना उत्तर होगा ए, यानी कि श्री गुरु रामदास जी ने ब्याह विच गाईयां जाण वालियां कौड़ियां की रचना की सी। नैक्सट, श्री गुरु रामदास जी के समय किहड़ा मुगल बादशाह सीगा? अकबर, हुमायूं, उपरोक्त दोनों जां जहांगीर? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अकबर। हाँ जी, श्री गुरु रामदास जी के समय किहड़ा मुगल बादशाह सीगा? अकबर। नैक्सट, हेठ लिखा विचों केड़ी प्रथा की शुरुआत श्री गुरु रामदास जी ने की सी? मसंद प्रथा, दसवंद प्रथा, उपरोक्त दोनों जां जिमीदार प्रथा? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मसंद प्रथा। हाँ जी, जी मसंद प्रथा सी, तो इस दी शुरुआत श्री गुरु रामदास जी ने की सी, यानी कि सिखां दे चौथे गुरु ने शुरू की सी। हुण जेकर आपां गल करिए दसवंद प्रथा, तो इस दी स्थापना की सी अपने सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने। हुण जेकर आपां गल करिए मसंद प्रथा का अंत, थोड़े कोल प्रश्न पूछा जा सकता है कि मसंद प्रथा का अंत किन्हां द्वारा किया गया सी? तुहाडा सही उत्तर की हो जाएगा सिखां दे पंजवें गुरु सॉरी सिखां दे दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मसंद प्रथा का अंत किया सी। एंड जिहड़ी जिमीदार प्रथा सी, तो उसका अंत किया सीगा बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। नैक्सट अपना प्रश्न है, श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों होया सी? इस प्रश्न का आंसर भी रेक विद्यार्थी को पता लग गया होगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1563 ईस्वी के सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म होया सी। कित्थे होया सी? इन्हां दा जन्म चक नानकी विखे होया सी। हरिमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया सी? इस गल नूं तुसीं ध्यान विच रखना, इत्थे अपने कोल निर्माण बारे गल की गई है, तो इसका अपने कोल उत्तर होगा सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब का निर्माण करवाया सी, जो कि अमृतसर शहर के विच है। हरिमंदर साहब का नींह पत्थर सूफी संत मियाँ मीर जी ने रख्या सी 1599 ईस्वी के। दोनों गल्लां नूं तुसीं ध्यान विच जरूर रखना है। नैक्सट, हरिमंदर साहब का नींह कदों रखी गई सी? ऑलरेडी दस चुका हाँ 1599 के।
आदि ग्रंथ साहब का संकलन कदों किया गया सी? ये प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड हरेक विद्यार्थी इसका बिल्कुल सही आंसर पता लग गया होगा। तो इस अपने को उत्तर आएगा सी, यानी कि 1604 ईस्वी आदि ग्रंथ साहब का संकलन किया गया सी। किन्हां द्वारा किया गया सी? सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ साहब का संकलन किया सी। बट आदि ग्रंथ साहब नूं लिखण का काम किसने किया सी? तो फिर थोड़ा सही उत्तर की होगा भाई गुरदास जी। सो इन्हां पॉइंट्स नूं भी तुसीं ध्यान विच जरूर रखना है। नेक्स्ट आदि ग्रंथ नूं किसने लिखा सी? तो थोड़ा सही उत्तर की होगा डी, यानी कि भाई गुरदास जी। श्री हरिमंदर साहब के पहले मुख ग्रंथी किस नियुक्त किया गया सी? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड अलग अलग कंपीटिटिव एग्जाम बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो इस अपने को उत्तर होगा डी, यानी कि बाबा बुढ़ा जी। हाँ जी, श्री हरिमंदर साहब के पहले मुख ग्रंथी किस नियुक्त किया गया सी? बाबा बुढ़ा जी किया गया सी। नैक्सट सुखमणि साहब गुरु अर्जन देव जी की जो रचना है तो इस होर कि नाम नाल जाणिया जाता है? शांति का जबूर, सुखां दी मणि, सुख शांति का सरूप, उपरोक्त दोनों। तो इस अपने को उत्तर आएगा ए, यानी कि सुखां दी मणि। हाँ जी, थोड़े को प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुखमणि साहब का होर कि नाम है? सुखां दी मणि। ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट श्री गुरु अर्जन देव जी तरन तारण शहर की, श्री गुरु अर्जन देव जी ने तरन तारण शहर की स्थापना कदों की सी? ये इतने अपने को प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आप उत्तर देख लेंगे बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1590 ईस्वी के श्री गुरु अर्जन देव जी ने जोड़ा तरन तारण शहर है इसकी स्थापना की सी। नैक्सट हेठ लिखा विचों कि शहर की स्थापना श्री गुरु अर्जन देव जी ने की है? इस प्रश्न तुसी ईजली अटैम्प्ट कर सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा दस भी चुका हाँ। तो इस अपने को उत्तर आएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। हाँ जी, तरन तारण और करतारपुर जो है अपने पंजाब दे विच है, तो इस दी स्थापना की है सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने। सिखां दा मक्का कहा जाता है? रामदासपुरा, आनंदपुर साहब, सरहंद जां गोइंदवाल साहब। तो इस अपने को उत्तर की होगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा रामदासपुरा, यानी कि अमृतसर शहर में ही सिखा का मक्का भी कहा जाता है। सिखा की धार्मिक राजधानी किसू कहा जाता है? तो फिर भी थोड़ा सही उत्तर की होगा अमृतसर शहर में ही सिखा की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। सिखा की बाइबल किसू कहा जाता है? तो फिर थोड़ा सही उत्तर की होगा आदि ग्रंथ साहब में सिखा की बाइबल भी कहा जाता है। तो यह सन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, सो इन्हें भी तुम्हें ध्यान में जरूर रखना है। नैक्सट पिंड रोहेला किहड़े गुरु ने वसाया सी? तो इस दा उत्तर देख लेंदे हां सी, इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सिखां दे पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने पिंड जिहड़ा रोहेला है इस नूं वसाया सी। नैक्सट सच्चे पातशाह दा दर्जा किहड़े गुरु नूं दित्ता गया है? श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, अर्जन देव जी, जां श्री गुरु तेग बहादुर जी? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सिखा के पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को सच्चे पातशाह कहा जाता है। इस तो अलावा श्री गुरु हरगोबिंद जी को भी सच्चा पातशाह कहा जाता है। इन दोनों गलों ध्यान में जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, श्री गुरु अर्जन देव जी ने देव जी को किस स्थान पर शहीदी प्राप्त हुई सी? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, गोइंदवाल साहब? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दिल्ली। हाँ जी, सिखा के पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को किस स्थान पर शहीदी प्राप्त हुई सी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा दिल्ली विखे इन्हों शहीदी प्राप्त हुई सी। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, श्री गुरु अर्जन देव जी को किहड़े मुगल बादशाह ने शहीद करवाया से? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बाबर? तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा जहांगीर। हाँ जी, श्री गुरु अर्जन देव जी को मुगल बादशाह ने शहीद करवाया से? तो सही उत्तर की हो जाएगा जहांगीर। नैक्सट लाहौर विखे इन्हों शहीदी प्राप्त हुई सी एंड कदों शहीदी प्राप्त हुई सी? 1606। इतने अपने को मिसटेक है, इन्हों लाहौर विखे शहीदी प्राप्त हुई सी बी, इतने आप करैक्ट कर लेंगे हाँ। नैक्सट आप मूव करते हाँ जी, दसवंध प्रथा की शुरुआत किसने की सी? श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, जां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी? ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुका हाँ, तो इस अपने को उत्तर आएगा बी, यानी कि श्री गुरु अर्जन देव जी ने दसवंध प्रथा की शुरुआत की सी। ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट हेठ लिखा विचों किहड़े गुरु
ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ 2218 ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ 11 ਪੱਠਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਐਂਡ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2218 ਮੁਗਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਟ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਰਹੇਗਾ ਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 1606, 1609, 1607 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 1606 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਤਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 3 ਤਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ 2 ਤਖਤ ਬਾਹਰ ਹਨ ਇੱਕ ਹੈ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 52, 53, 54 ਜਾਂ 55 ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 52 ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
अपने को मेला है वह कितों का प्रसिद्ध मनिया जाता है, वह आनंदपुर साहब का प्रसिद्ध मनिया जाता है। इस गल ध्यान जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंदे हाँ जी, बंदी छोड़ बाबा किसान कहा जाता है, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। श्री गुरु हरगोबिंद जी ने ही बंदी छोड़ बाबा भी कहा जाता है। नैक्सट हेठ लिखा विचों किहड़े शहर की स्थापना श्री गुरु हरगोबिंद जी ने की सी, करतारपुर, कीरतपुर, हरगोबिंदपुर, गोइंदवाल साहब। तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कीरतपुर। हाँ जी, जो कीरतपुर शहर है तो इसकी स्थापना सिखा दे अपने छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी ने की सी, इस शहर की स्थापना यानी कि कीरतपुर की। नैक्सट हेठ लिखा विचों किहड़े गुरु का जन्म अते ज्योति जोत समाउंदा इक्को ही स्थान है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार अलग अलग कंपीटिटिव एग्जाम रिपीट भी हो चुका है। तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री गुरु हर राय जी। नैक्सट आप मूव करते हैं जी, श्री गुरु हर राय जी ने किसू आशीर्वाद दिता सी, तो इसका अपने को उत्तर आएगा दारा शिको। हाँ जी, श्री गुरु हर राय जी ने, हर राय जी ने किसू आशीर्वाद दिता सी, अपने को प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका अपने को उत्तर आएगा दारा शिको। नैक्सट श्री गुरु हर कृष्ण की याद में किहड़े गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है, बंगला साहब, रकाबगंज, सीसगंज या तौला साहब। तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बंगला साहब। हाँ जी, श्री गुरु हर कृष्ण जी जो कि सिखा के अठवें गुरु सन, तो इन्हों की याद के बंगला साहब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। हुण जेकर आप गल करिए बाल गुरु के नाम नाल किसनूं जाणिया जांदा है, तो फिर भी थोड़ा सही उत्तर की होगा, सिखा के अठवें गुरु श्री गुरु हर कृष्ण जी। इतने तुम देख सकते हो बाल गुरु के नाम नाल जाणिया जांदा है श्री गुरु हर कृष्ण जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कदों होया सी, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, एंड हरेक विद्यार्थी को इसका बिल्कुल सही आंसर पता लग गया होगा। तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1621 श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म होया, कितने होया अमृतसर के, इन्हों का जन्म होया। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, हेठ लिखा विचों किहड़े गुरु की पाल मक्खण शाह लुबाणा ने की सी, तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री गुरु तेग बहादुर जी, यानी कि सिखा के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मक्खण शाह लुबाणा की पाल की सी। एंड मक्खण शाह लुबाणा ने की शब्द बोले सन, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, ये शब्द बोले सन। इस गल भी तुम्हें ध्यान में रखना होगा, गुरु लादो रे, यदा मीनिंग की है कि गुरु की पाल हो चुकी है, ज गुरु लभ गए हैं, ये शब्द इन्होंने बोले सन। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, बाबा बकाला स्थान किहड़े गुरु साहबान संबंधित है, श्री गुरु तेग बहादुर जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु हरकृष्ण जी। तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री गुरु तेग बहादुर जी संबंधित है बाबा बकाला स्थान। हाँ जी, नैक्सट आप मूव करते हाँ, हेठ लिखा विचों किहड़े शहर की स्थापना श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की सी, चक नानकी, दमदमा साहब, अमृतसर ज करतारपुर। तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा चक नानकी। हाँ जी, इन्हों किहड़े शहर की स्थापना श्री गुरु तेग बहादुर जी ने की सी, यानी कि चक नानकी, जिसन माखोवाल का नाम दिता जाता है, यानी कि आनंदपुर शहर जोड़ा शहर है, आनंदपुर साहब शहर है, तो इसकी स्थापना की सिखा के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। नैक्सट श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किस दे हुक्मां ते शहीद किया गया सीगा, जहांगीर, जहांशाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा औरंगजेब। हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किस दे हुक्मां ते शहीद किया गया सी, तुहाडा सही उत्तर की हो जाएगा, औरंगजेब के हुक्मां ते शहीद किया गया सीगा। एंड इन्हों कितने शहीद किया गया सीगा, दिल्ली विखे इन्हों शहीद किया गया सीगा 1675 ईस्वी के, डेट अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। नैक्सट श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी कितने प्राप्त हुई सी, कदों सॉरी प्राप्त हुई सी, तो इसका अपने को उत्तर आएगा, बी यानी कि 11 नवंबर 1675 ईस्वी के, डेट में तुम्हें प्रॉपर याद रखना होगा, यानी कि 11 नवंबर भी तुम्हें याद रखना होगा एंड 1675 भी। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी दे हो नाल होर किहड़े सिख नूं शहीद किया गया सी, तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, आप उत्तर देख लेंगे, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा भाई दयाल जी। हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी दे नाल होर किहड़े सिख नूं शहीद किया गया सीगा, भाई दयाल जी।
नैक्सट श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की याद में किहड़ा गुरद्वारा बनया होया है? बंगला साहब, सीसगंज, मणिकरण साहब या टिब्बी साहब? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, सीसगंज साहब। हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की याद में किहड़ा गुरद्वारा बनया होया है? सीसगंज साहब। नैक्सट श्री गुरु तेग बहादुर जी के बिना सीस तो देह का जिथे संस्कार किया गया सीगा उत्थे अज कल किहड़ा गुरद्वारा बनया होया है? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, रकाबगंज। हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के बिना सीस तो देह का जिथे संस्कार किया गया सी तां उत्थे अज कल किहड़ा गुरद्वारा है? रकाबगंज। नैक्सट श्री गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र सीस आनंदपुर साहब विखे किसने लिया सीगा? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस अपने को उत्तर रहेगा बी, यानी कि भाई जैता जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र सीस आनंदपुर साहब विखे लिया। नैक्सट श्री गुरु तेग बहादुर जी समय किहड़ा मुगल बादशाह सीगा? तो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इस आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, औरंगजेब। हाँ जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी समय किहड़ा मुगल बादशाह सीगा? तो इस अपने को उत्तर रहेगा, औरंगजेब। नैक्सट, हिंद की चादर किसनों कहा जाता है? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ही हिंद की चादर भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड अलग अलग कंपीटिटिव एग्जाम बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो हुण आपां नैक्सट मूव करते हाँ। हाँ जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म किहड़े स्थान पर होया सी? इस आपां उत्तर देख लेंगे, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बिहार विखे, यानी कि बिहार की कैपिटल जी पटना है, इतने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया सी। कदों होया सी? 1666 ईस्वी के 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में इन्हों का जन्म होया सी। नैक्सट, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पहली रचना का नाम की सीगा? तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, वार श्री भगौती जी की। हाँ जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पहली रचना का नाम की सीगा? वार श्री भगौती जी की। इस तो अलावा इन्हों की आप रचनावान देख लेंगे, आ सारिया ही रचनावान महत्वपूर्ण हैं। सो रिक्वेस्ट है कि तुम इन्हों नोट कर लेना है। विचित्र नाटक इन्हों की रचना है, खालसे की महिमा, 24 अवतार, दसम ग्रंथ, अकाल उस्तत, चंडी की वार, चंडी चरित्र, जाप साहब, ज्ञान प्रबोध, ये सारिया ही रचनावान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दियां। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की स्वै जीवनी का नाम की है? हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, विचित्र नाटक। हाँ जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की स्वै जीवनी का नाम की है? विचित्र नाटक। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट, हेठ लिखिया विच्चों केड़ी प्रथा का अंत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया? ऑलरेडी मैं थोड़ा दस चुका हाँ, इस प्रश्न तुम इजली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, मसंद प्रथा। हाँ जी, इन्हों केड़ी प्रथा का अंत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया? थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, मसंद प्रथा। नैक्सट, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किहड़े दिन खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहब विखे की? इतने अपने को तेग बहादुर नहीं आएगा, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आएगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़े दिन खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहब विखे की? थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, अपने को विसाखी वाले दिन, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 13 अप्रैल 1699 ईस्वी के खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आनंदपुर साहब विखे स्थापना की सी खालसा पंथ की। अगे तुसी देख सकते हो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी के कुछ बुक्स में थोड़ा 30 मार्च भी मिलेगा, पर जो एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि अपने को वाला दोनों ऑप्शन कदे भी नहीं होगी, यानी कि जा अपने को 13 अप्रैल होगा जा अपने को 30 मार्च होगा। नैक्सट आप देख लेंगे, खालसा पंथ की सिरजना कदों की गई सी? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। हेठ लिखिया विच्चों किहड़े प्यारे नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा घोषित किया? इसका अपने को उत्तर की रहेगा, उत्तर आप देख लेंगे, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सारे यानी कि दया राम, धर्म सिंह, मोकम चंद। हाँ जी, इन्हों ही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा घोषित किया। नैक्सट, गुरु की काशी किसनों कहा जाता है? दमदमा साहब, आनंदपुर साहब, अमृतसर ज करतारपुर? सो इस प्रश्न का आंसर भी हरेक विद्यार्थी को पता लग गया होगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, दमदमा साहब न ही गुरु की काशी भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जफरनामा जड़ा है ये कि भाषा का शब्द है?
ਜਾਂ ਸੋਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੱਤਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਡੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਰਹੇਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, 1688 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 1701 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1705 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਰਹੇਗਾ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਪ। ਹਾਂਜੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਪ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਰੇਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੰਦੇੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ? 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ? 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਡੀ ਇਸਦਾ, ਈ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਵੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਉਪਰੋਕਤ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਨੈਕਸਟ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ, ਫਾਰਸੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, 1430।
हाँ जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कुल किन्ने अंक हन? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा 1430। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, किहड़ा तख्त श्री हरिमंदर साहब के बिल्कुल सामने है? तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अकाल तख्त। हाँ जी, किहड़ा तख्त श्री हरिमंदर साहब के बिल्कुल सामने है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, तख्त श्री अकाल तख्त साहब। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, तख्त श्री दमदमा साहब पंजाब के किहड़े जिले में स्थित है? पटियाला, जलंधर, आनंदपुर साहब या बठिंडा? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, बठिंडा। हाँ जी, तख्त श्री दमदमा साहब पंजाब के किहड़े जिले में है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, बठिंडे के है, यानी कि तलवंडी साबो में पैंता है तख्त श्री दमदमा साहब। नैक्सट, पंजाब विच कुल किन्ने तख्त मौजूद हैं? ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुका हाँ, तो इसका अपने को उत्तर आएगा तीन, यानी कि पंजाब दे विच कुल तीन तख्त मौजूद हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहब कित्थे स्थित है? तो थोड़ा सही उत्तर की होगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, आनंदपुर साहब। हाँ जी, तख्त श्री केसगढ़ कित्थे है? ये है आनंदपुर साहब दे विच। भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस तो अलावा एक अपने को होर प्रश्न बन जाता है कि विरासत खालसा कित्थे स्थित है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, ये भी आनंदपुर साहब के विच है, विरासत खालसा। ये प्रश्न बहुत और अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम रिपीट भी हो चुका है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, तख्त श्री हजूर साहब भारत के किहड़े राज विच है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका अपने को उत्तर आएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र। हाँ जी, तख्त श्री हजूर साहब कित्थे है? यह महाराष्ट्र के नंदेड़ के विच। नैक्सट, हेठ लिखियां विचों किहड़े तख्त का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया सी? तख्त श्री पटना साहब, तख्त श्री हजूर साहब, तख्त श्री केसगढ़ साहब जां ए अते बी दोनों? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ए अते बी दोनों, यानी कि तख्त श्री पटना साहब का निर्माण भी महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया सी। इस तो अलावा तख्त श्री हजूर साहब का निर्माण भी महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया सी। इतनी अपने को एक और प्रश्न बन जाता है, थोड़े को प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्री हरिमंदर साहब के उपर अपने को सोने की प्लेटा किसने चढ़वाइया सन? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह ने। नैक्सट, बंदा सिंह बहादुर का जन्म कदों होया सी? तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 1670 ईस्वी के बंदा सिंह बहादुर का जन्म होया सी। कित्थे होया सी? कश्मीर के जिला पुंछ विखे इन्हों का जन्म होया सी। नैक्सट, बंदा सिंह बहादुर का वास्तविक नाम की सीगा? लक्ष्मण देव, माधोदास, बंदा बैरागी या गुरबख्श सिंह? तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, लक्ष्मण देव। हाँ जी, बंदा सिंह बहादुर का वास्तविक नाम या बचपन का नाम की सीगा? लक्ष्मण देव। इस तो अलावा बंदा सिंह बहादुर का नाम माधोदास भी सी, बंदा बैरागी भी सी एंड गुरबख्श सिंह भी सी। माधोदास बंदा सिंह बहादुर का नाम किसने रखा सी? मक्खण शाह लबाणा, भाई धर्म सिंह, जानकी प्रसाद या गुरु गोबिंद सिंह जी? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, जानकी प्रसाद ने नाम रखा सीगा बंदा सिंह बहादुर का, माधोदास। नैक्सट, बंदा सिंह बहादुर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़े स्थान पर मिले सन? ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुका हाँ, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, नंदेड़ विखे। चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई कदों हुई सी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को तुसी चंगी तरह याद कर लेना है। तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, 12 मई 1710 ईस्वी में चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई हुई सी। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, सरहंद का नवाब कौन सीगा? यहीं खां, वजीर खां, दीवान लखपत राय या नादर शाह? तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, वजीर खां। हाँ जी, सरहंद का जो नवाब सीगा उसका नाम की सीगा? वजीर खां। नैक्सट, बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी किहड़े किले नूं बनवाया सी? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, मुखलिसपुर। हाँ जी, बंदा सिंह बहादुर ने अपनी राजधानी किहड़े किले नूं बनवाया सीगा? मुखलिसपुर नूं। पहला इसका नाम की सीगा? मुखलिसपुर का नाम बदल के लोहगढ़ रख दिता गया सी। नैक्सट, श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से सिक्के जा मोर किसने जारी की सी? ये प्रश्न बहुत ही बार अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम रिपीट हो चुका है, सो रिक्वेस्ट है कि तुसी इस प्रश्न को चंगी तरह रट्टा ला लेना है। तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा,
सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बंदा सिंह बहादुर। हाँ जी, बंदा सिंह बहादुर ने ही श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से सिक्के जारी किए सन जां मोहर जारी की सी। इस तो अलावा इतने अपने को एक और प्रश्न बन जाता है कि नानकशाही सिक्के किसने जारी किए सन, तो फिर थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा अपने को महाराजा रणजीत सिंह ने नानकशाही सिक्के जारी किए सन। बंदा सिंह बहादुर ने सरकारी काम काज के लिए कि भाषा चुनिया से, तो इसका आप उत्तर देख लेंगे ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फारसी। जी, बंदा सिंह बहादुर ने सरकारी काम काज के लिए कि भाषा चुनिया से, फारसी भाषा चुनिया से। नैक्सट हेठ दित्या विचों केड़ी प्रथा का अंत बंदा सिंह बहादुर ने किया? ऑलरेडी मैं तुम्हें दस चुका सीगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा जिमीदार प्रथा का अंत बंदा सिंह बहादुर ने किया। नैक्सट, बंदा सिंह बहादुर को किहड़ी जगह तो कैद किया गया? चप्पड़ चिड़ी समाणा गुरदास नगर जां गुरों, तो इस अपने को उत्तर रहेगा सी यानी कि गुरदास नंगल। हाँ जी, बंदा सिंह बहादुर को किहड़ी जगह तो कैद किया गया? गुरदास नंगल तो कैद किया गया। ये लड़ाई हुई सी 1715 के। नैक्सट, हेठ लिखा विचों किहड़े इलाके बंदा सिंह बहादुर ने जीते सन? इस अपने को उत्तर की रहेगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद को भी जितया से, समाणा को भी, मुस्तफाबाद को भी जितया से। इस तरह इसका अपने को राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। बंदा सिंह बहादुर को कदों कैद किया गया से? इस अपने को उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1715 ईस्वी बंदा सिंह बहादुर को कैद किया गया से। नैक्सट, बंदा सिंह बहादुर को कित्थे शहीद किया गया से? लाहौर, दिल्ली, आनंदपुर साहब जां समाणा दे विच। ता इस अपने को उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दिल्ली विखे बंदा सिंह बहादुर को फर्कसियर के हुक्मों से शहीद किया गया से। इतने अपने को एक और प्रश्न बन जाता है कि बंदा सिंह बहादुर के बेटे का नाम की सीगा, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा अजय सिंह। बंदा सिंह बहादुर को किस के हुक्मों से शहीद किया गया से? फर्कसियर के हुक्मों से शहीद किया गया से। ऑलरेडी दस चुका हाँ कदों शहीद किया गया से? 9 जून 1716 ईस्वी। डेट अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, इस गल भी तुम्हें ध्यान में जरूर रखना है। बंदा सिंह बहादुर के बेटे का नाम अजय सिंह, बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नवाब कपूर सिंह नवाब की उपाधि किसने दी सी? ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस अपने को उत्तर की रहेगा? उत्तर आप देख लेंगे सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा जकरिया खां। हाँ जी, नवाब कपूर सिंह नवाब की उपाधि किसने दी सी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा जकरिया खां ने नवाब कपूर को नवाब की उपाधि दी सी। कदों दी सी? 1733 ईस्वी। नवाब कपूर सिंह ने सिख सेना किहड़े भागां दे विच वंडिया सी? तां इस अपने को उत्तर की रहेगा सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों यानी कि बुढ़ा दल और तरुणा दल। जी, बुढ़ा दल और तरुणा दल के नवाब कपूर सिंह ने सिख सेना वंडिया सी। बुढ़ा दल के जिहड़े वडेरे बंदे सन वह आउंदे सन, तरुणा दल के जिहड़े नौजवान बंदे सन वह आउंदे सन। इस तो अलावा जेकर आप गल करिए जो दल खालसा सीगा तो उसकी स्थापना किसने की सी? तो फिर भी थोड़ा सही उत्तर होगा नवाब कपूर सिंह ने कदों की सी? 1748। नैक्सट, नादर शाह ने पंजाब ते हमला कदों किया? इस आप उत्तर देख लेंगे ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1738 ईस्वी के नादर शाह ने पंजाब ते हमला किया। नैक्सट, छोटा कल्लूकारा किहड़े स्थान पर होया सी? ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा गुरदासपुर विखे। हाँ जी, छोटा कल्लूकारा जो कि 1746 के होया सी, तो यह कित्थे होया सीगा? यह होया सी गुरदासपुर के। छोटा कल्लूकारा कदों होया सी? 1746 के। ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वड्डा कल्लूकारा कदों होया सी? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 5 फरवरी 1762 ईस्वी में वड्डा कल्लूकारा होया सी। इस गल नूं तुसीं ध्यान में जरूर रखना है कित्थे होया सी? मलेरकोटले के नेड़े पिंड कुप के वड्डा कल्लूकारा होया सी। दल खालसा की स्थापना किसने की सी? ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा नवाब कपूर सिंह ने। दल खालसा को किन्ने हिस्सों के वंडिया गया सी? तो इस अपने को उत्तर रहेगा ए यानी कि 11 हिस्सों के दल खालसा वंडिया गया सी यानी कि इस 11 मिसल सन। हुण जेकर आप गल करिए अपने को प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कि मिसल सी जी दल खालसा का हिस्सा नहीं सी, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा फूलकिया मिसल। फूलकिया मिसल के संस्थापक कौन सन? चौधरी फूला सिंह।
हेठ लिखा विचों केड़ी मिसल दाल खालसा देसा नहीं सी तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फूलकिया मिसल। नैक्सट मिसल शब्द का अर्थ की है संगठन मंडल ज उपरोक्त दोनों जा इन विचों कोई नहीं। हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की रहेगा सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों। हाँ जी मिसल शब्द का अर्थ की है उपरोक्त दोनों यानी कि संगठन ज मंडल मिसल शब्द का अर्थ होंदा है। नैक्सट आप मूव करते हाँ हाँ जी निशान वाली मिसल का संस्थापक कौन सीगा करोड़ सिंह दसौंधा सिंह हीरा सिंह जां जय सिंह तो इस अपने को उत्तर रहेगा बी यानी कि दसौंधा सिंह। हाँ जी निशान वाली जिहड़ी मिसल सीगी तो इसका संस्थापक कौन सीगा दसौंधा सिंह सीगा। यह भी प्रश्न अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट शुक्र चक्या जिहड़ी मिसल सीगी तो इसका संस्थापक कौन सी बुद्ध सिंह चढ़त सिंह महाराजा जीत सिंह जां मां सिंह तो इस अपने को उत्तर रहेगा ए यानी कि बुद्ध सिंह। हाँ जी शुक्र चक्या जिहड़ी मिसल सीगी तो इसका संस्थापक कौन सी बुद्ध सिंह। इस तो अलावा एक अपने को प्रश्न बन जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जिहड़ा सीगा एक केड़ी मिसल नाल संबंध रखता सी तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा शुक्र चक्या मिसल नाल महाराजा रणजीत सिंह संबंध रखता सी। ये भी प्रश्न अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप मूव करते हाँ हाँ जी फैजलपुरी मिसल या सिंगापुरी मिसल का संस्थापक कौन सी तो इस अपने को उत्तर रहेगा डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कपूर सिंह। हाँ जी जी फैजलपुरी मिसल सिंगी तो इसके संस्थापक कौन सन कपूर सिंह। इस तो अलावा जी अपने को मिसल सीगी शहीद मिसल तो उसके संस्थापक कौन सन दीप सिंह। फूलकिया मिसल के कौन सन संस्थापक चौधरी फूला सिंह। नैक्सट केड़ी मिसल दल खालसा का हिस्सा नहीं सी तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा फूलकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म कदों होया सीगा अगे अपने को महाराजा रणजीत सिंह रिलेटिड प्रश्न आ चुके हैं तो इस आप उत्तर देख लेंगे सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1780 ईस्वी के महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होया सी। नैक्सट आप मूव करते हैं जी महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम की सीगा ये इतने अपने को प्रश्न पूछा गया है तो इस अपने को उत्तर रहेगा सी यानी कि बुद्ध सिंह। हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह के बचपन का नाम की सीगा तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा बुद्ध सिंह। ये भी प्रश्न काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट महाराजा रणजीत सिंह किहड़ी मिसल नाल संबंध रखते सन तो ऑलरेडी मैं तुहानू दस चुका हाँ तो इस अपने को उत्तर होगा शुक्र चकिया मिसल। हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह किहड़ी मिसल नाल संबंध रखते सन तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा शुक्र चकिया मिसल। नैक्सट आप मूव करते हाँ हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह दी पिता की मौत समय उन्हां दी उम्र किन्नी सी तो इस आप उत्तर देख लेंदे हाँ बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 12 साल। हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह के समय उन्हां दी सॉरी महाराजा रणजीत सिंह दी पिता की मौत समय उन्हां दी उम्र किन्नी सीगी 12 साल की सीगी। नैक्सट आप देखते हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने आप नूं पंजाब दा महाराजा कदों घोषित किया सी। इस प्रश्न नूं तुसीं पक्का याद कर लैणा बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी एग्जाम च आउण दी तो इस अपने को उत्तर रहेगा बी यानी कि 1801 ईस्वी दे विच रणजीत सिंह ने अपने आप नूं पंजाब दा महाराजा घोषित किया सी। थोड़े कोल इदां भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने महाराज की उपाधि कदों धारण की तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा 1801 दे विच। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सामराज की राजधानी किसनों बनाया सी तो इस अपने को उत्तर की रहेगा ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा लाहौर। हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सामराज की राजधानी किसनों बनाया सी तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा लाहौर नूं बनाया सी। नैक्सट महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर से जित कदों प्राप्त की सी। इस प्रश्न का भी आंसर हरेक विद्यार्थी पता लग गया होगा बहुत ही सिंपल प्रश्न है तो इसका आप उत्तर देख लेंगे सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1805 दे विच। हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर से जित कदों प्राप्त की सी 1805 दे विच। नैक्सट आप देखते हाँ जी महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में कदों जितया सी इत्थे अपने को लाहौर की गल की गई है तो इसका भी आप उत्तर देख लेंगे सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1799 ईस्वी के महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में जितया सी। नैक्सट आप देखते हैं महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के विचकार अमृतसर की संधि कदों हुई सी। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसका आप उत्तर देख लेंगे बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1809 ईस्वी के महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के विचकार अमृतसर की संधि हुई सी।
नैक्सट सिख सामराज का आखिरी शासक कौन सेगा? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दलीप सिंह। हाँ जी, सिख सामराज का थोड़े को प्रश्न पूछा जाएगा कि सिख सामराज का आखिरी शासक कौन सेगा, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा महाराजा दलीप सिंह। नैक्सट पंजाब का शेर पंजाब किसू कहा जाता है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह भी शेरे पंजाब कहा जाता है एंड लाला लाजपत राय में भी शेरे पंजाब कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम नाल भी जाने जाता है, पंजाब केसरी। नैक्सट आप देख लेंगे। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह किहड़े कबीले नाल संबंध रखता सी? ता इस अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा संधावड़िया कबीला। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह जो सन ये किहड़े कबीले नाल संबंध रखते सन? तुहाडा सही उत्तर की हो जाएगा संधावड़िया कबीले नाल संबंध रखते सन। नैक्सट आप मूव करते हाँ। हाँ जी, रणजीत सिंह पंजाब का महाराजा कदों बनया सी? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ऑलरेडी मैं दस भी चुका हाँ बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 1801। पहले एंग्लो सिख युद्ध में कितनी लड़ाइयां हुई सन? इस आप उत्तर देख लेंगे हाँ सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 5। हाँ जी, पहला एंग्लो सिख युद्ध में कितनी लड़ाइयां हुई सन? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा इस दे विच कुल 5 लड़ाइयां हुई सन। नैक्सट बद्दोवाल की लड़ाई में सिखा की अगवाई किसने की थी? पहला तो थोड़ा यह पता होना चाहिए कि पहले एंग्लो सिख युद्ध की कि लड़ाई के सिखा की जित हुई थी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा बद्दोवाल की लड़ाई। तो इतने अपने को प्रश्न पूछा गया है कि बद्दोवाल की लड़ाई के सिखा की अगवाई किसने की थी? तो आप इसका आंसर देख लेंगे हाँ ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा रणजोत सिंह। हाँ जी, बद्दोवाल की लड़ाई के सिखा की अगवाई किसने की थी? रणजोत सिंह ने की थी। नैक्सट पहले एंग्लो सिख युद्ध की लड़ाई के सिखा की जित हुई थी? अलीवाल, बद्दोवाल, सबराओं जां बुदकी। ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुका हाँ बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बद्दोवाल। गुजरात की लड़ाई में अंग्रेजों की अगवाई किसने की थी? सर गॉफ, सर हैनरी लॉरेंस, उपरोक्त दोनों जां हैनरी समिथ। तो इस आप उत्तर देख लेंगे हाँ ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सर गॉफ। हाँ जी, गुजरात की जी लड़ाई हुई सी तो इस अंग्रेजों की अगवाई किसने की? सर गॉफ ने की। नैक्सट पहले एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सीगा? ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत बार अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम रिपीट भी हो चुका है। तो इस आप उत्तर देख लेंगे हाँ ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड हार्डिंग। हाँ जी, पहले एंग्लो सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन सीगा? लॉर्ड हार्डिंग। नैक्सट केड़ी लड़ाई नूं बैटल ऑफ गन भी कहा जाता है? ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंड बहुत बार अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम रिपीट भी हो चुका है। तो इस आप उत्तर देख लेंगे हाँ ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा गुजरात की लड़ाई में बैटल ऑफ गन भी कहा जाता है, यानी कि गन्ना की लड़ाई या बंदूकों की लड़ाई भी कहा जाता है गुजरात की लड़ाई में। नैक्सट अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के कदों मड़ाया सी? तो इस आप उत्तर देख लेंगे हाँ डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1849 के 29 मार्च 1849 ईस्वी विच अंग्रेजां ने अपने पंजाब नूं ब्रिटिश साम्राज्य दे विच मिला लिया सी। नैक्सट आपां देखदे हां। हाँ जी, निरंकारी लहर की स्थापना किस द्वारा की गई सी? बाबा राम सिंह, बाबा दयाल सिंह, शिव दयाल जां सोन सिंह। तो इस आप उत्तर देख लेंगे, उत्तर थोड़ा पहला पता लग गया होगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव दयाल। हाँ जी, निरंकारी जी लहर सी तो इसकी स्थापना किसने की सी? शिव दयाल ने की सी। नैक्सट पंजाब का मानचेस्टर किसनों कहा जाता है? तो इस अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा लुधियाना। हाँ जी, पंजाब का मानचेस्टर किसनों कहा जाता है? लुधियाने को पंजाब का मानचेस्टर भी कहा जाता है। इस तो बाद जो बठिंडा शहर है इसका पुराना नाम की सीगा? विक्रमगढ़ जां ताबरे हिंद। मानसा शहर की स्थापना भाई गुरदास जी ने की सी। इस तो अलावा रेल कोच फैक्टरी थोड़े को पूछी जा सकती है, रेल कोच फैक्टरी कितने है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा ये है कपूरथला। इस तो अलावा सब तो वड्डा रेलवे जंक्शन कहड़ा है पंजाब का? बठिंडा। सब तो वड्डा रेलवे स्टेशन कहड़ा है? तो फिर थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा अपना अमृतसर।
नैक्सट पंजाब का कैलीफोर्निया कहा जाता है, यह प्रश्न मैं बहुत ही बार कराया हुआ है। सी इज़ द बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, अबोर नूं पंजाब का कैलीफोर्निया भी कहा जाता है। नैक्सट हेठ लिखा विच्चों किहड़ा पंजाब का लोक नाच है, तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों भंगड़ा और गिद्दा, ये दोनों हैं पंजाब के लोक नाच। नैक्सट सग्गी फुल की है, बहुत बार एग्जाम रिपीट हों प्रश्न, बी इस का बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये एक गहने का नाम है सग्गी फुल। नैक्सट पंजाब पुलिस का गठन कदों किया गया सी, तो इस अपने को उत्तर रहेगा बी, यानी कि 1861 ईस्वी पंजाब पुलिस का गठन किया गया सी, भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट पंजाब की इलैक्ट्रॉनिक सिटी किसन कहा जाता है, तो इस अपने को उत्तर हो जाएगा मोहाली, पंजाब की इलैक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरह एक अपने को प्रश्न बन जाता है, पंजाब की स्पोर्ट्स सिटी किसन कहा जाता है, तो फिर थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा जलंधर, पंजाब की स्पोर्ट सिटी भी कहा जाता है। हाँ जी, नैक्सट अपना प्रश्न है, राधा स्वामी अंदोलन की स्थापना किसने की सी, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, शिवदयाल ने। हाँ जी, राधा स्वामी मूवमेंट की स्थापना किसने की सी, तो सही उत्तर की हो जाएगा, शिवदयाल ने। इस तो अलावा नवाब कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना की सी, सो उस इस गल भी तुसी ध्यान में जरूर रखना है, यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एंड कदों की 1748 ईस्वी के। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, नामधारी अंदोलन वाले किहड़े जानवर की पूजा करते सन, तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, गां की। हाँ जी, नामधारी वाले अपने किहड़े जानवर की पूजा करते सन, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, गां की पूजा करते सन, सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, कोका अंदोलन के संस्थापक कौन सन, बाबा बालक सिंह, बाबा राम सिंह, तेजा सिंह, ज बाबा दयाल सिंह, तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाबा बालक सिंह। हाँ जी, कोका मूवमेंट की स्थापना किसने की सी, तो सही उत्तर की हो जाएगा, बाबा बालक सिंह। बट जेकर इतने अपने को ऐसा प्रश्न पूछा जाता कि नामधारी अंदोलन के संस्थापक कौन सन, तो फिर थोड़ा सही उत्तर की हो जाना सीगा, बाबा राम सिंह, सो इस गल भी तुसी ध्यान में जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, सिंह सभा अंदोलन की स्थापना किहड़े सन दे विच होई सी, तां इस अपने को सही उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1873 ईस्वी के सिंह सभा अंदोलन की स्थापना की गई सी, एंड इसकी स्थापना कितने की गई सी, तो फिर थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, इसकी स्थापना अमृतसर विखे की गई सी, सो इस गल भी तुसी ध्यान में जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, आर्या समाज अंदोलन की स्थापना किसने की सी, ज्योतिबा फूले, शिव नारायण, राजा राम मोहराय, ज दयानंद सरस्वती, सो यह भी प्रश्न बहुत ही सिंपल है, तो इसका उत्तर देख लेंगे, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, दयानंद सरस्वती। हाँ जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्या समाज की स्थापना की सी, कदों की सी, डेट भी तुसी याद रखना होगा, 1875 ईस्वी के। नैक्सट आप मूव करते हैं, जी, गदर पार्टी के पितामा कौन सन, इतने अपने को स्पैलिंग मिसटेक है, गदर पार्टी के पितामा कौन सन, ये अपने को प्रश्न पूछा गया, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, ज लाला हरदयाल, तो इसका आप आंसर देख लेंगे, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, लाला हरदयाल। हाँ जी, गदर पार्टी के संस्थापक कौन सन, तो सही उत्तर की हो जाएगा, लाला हरदयाल, सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट, गदर पार्टी का हैडक्वाटर कितने स्थित सेगा, बीजिंग, सैन फ्रांसिस्को, कैलीफोर्निया, ज वाशिंगटन DC, तो इस अपने को उत्तर रहेगा बी, यानी कि सैन फ्रांसिस्को। हाँ जी, गदर पार्टी का हैडक्वाटर कितने स्थित सेगा, सैन फ्रांसिस्को के। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, गदर की सीगा, ये एक अखबार सी, रसाला सी, नाटक सी, जां एक कहानी का नाम सी, सो इस आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये एक अखबार का नाम सीगा गदर, सो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट, गदर अखबार किहड़ी भाषा दे विच छपदी सी, संस्कृत, फारसी, पंजाबी, जां मराठी, सो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस अपने को उत्तर की रहेगा, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, पंजाबी भाषा के विच छपदी सीगी गदर अखबार। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, इतने तुसी देख सकते हो ये जी अखबार सीगी गदर, ये उर्दू भाषा में भी छपदा सी। नैक्सट आप मूव करते हैं, जी, कामा गाटा मारू की सीगा, तो आंसर अपने को शो हो चुका है, तो इस अपने को उत्तर रहेगा सी, यानी कि ये एक समुद्री जहाज का नाम सीगा, यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सो रिक्वेस्ट है कि इसनों तुसी ध्यान में रखना है, अपने को प्रश्न पूछा भी जा चुका है अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम के कामा गाटा मारू की सी,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਸਨ? 337, 376, 399 ਜਾਂ 267? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 376। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਸਨ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 376। ਨੈਕਸਟ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 13 April 1919 ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, SCPC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1921, 22, 23 ਜਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 28 September 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਡੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, 8 April 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀ ਕੇ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਾਂਗਰਸ, BJP ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੀ ਇਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ
राष्ट्रपति किस की सलाह लेंदा है, भारत के मुख्य जज की, राज्यपाल की, उपरोक्त दोनों जां मुख मंत्री की? तो इसका उत्तर देख लेंगे, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मुख मंत्री की। हाँ जी, पंजाब हाई कोर्ट के मुख जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किस की सलाह लेंदा है, मुख मंत्री की सलाह लेंदा है। सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, वर्तमान समय के पंजाब में कुल कितनी स्थाई लोक अदालत हैं? सो यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 22। हाँ जी, वर्तमान समय के पंजाब में कुल कितनी स्थाई लोक अदालत हैं? 22। नैक्सट, पंजाब पुलिस का मोटो की है? सो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, खास करके जिहड़े विद्यार्थी पंजाब पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका अपने को उत्तर रहेगा बी, यानी कि शुभ कर्मण ते कबोना टलो। हाँ जी, पंजाब पुलिस का मोटो की है? शुभ कर्मण ते कबोना टलो। एंड पंजाब पुलिस का गठन कदों किया गया? 1861 ईस्वी। सो इस गल भी तुसी ध्यान में रखना है। एंड पंजाब पुलिस का हैडक्वाटर कितने स्थित है? यह है चंडीगढ़ के। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, वर्तमान समय के पंजाब पुलिस का DGP किस नियुक्त किया गया है, ज किस बनाया गया है? सो यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसका उत्तर देख लेंगे, डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दिनकर गुप्ता। हाँ जी, वर्तमान समय के पंजाब पुलिस का DGP किस नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता। नैक्सट, पंजाब के दक्षण पछम के कौन राज है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या उत्तराखंड? हाँ जी, इतने अपने को दक्षण पछम की गल की गई है, सो रेक विद्यार्थी आंसर पता लग गया होगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा राजस्थान। जी, पंजाब के दक्षण पछम के राज है? राजस्थान। सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, जम्मू और कश्मीर नाल पंजाब के किड़े जिले की हद लगती है? थोड़ा पता होगा कि वर्तमान समय के जम्मू और कश्मीर एक UT है। सो अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब नूं किन्ने राज्यां दी हद लगती है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, पंजाब नूं 3 राज्यां दी हद लगती है एंड 2 UTAं दी हद लगती है। 2 UTAं कि एक है चंडीगढ़ एंड दूसरी है जम्मू और कश्मीर। तो इत्थे अपना आंसर की रहेगा बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा पठानकोट। हाँ जी, जम्मू और कश्मीर नाल पंजाब के किहड़े जिले की हद लगती है? पठानकोट जिले की हद लगती है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में किन्ने बार होनी जरूरी है? 1 बार 2 बार 3 बार जां कोई नहीं? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा ए, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1 बार। हाँ जी, ग्राम पंचायत की बैठक महीने में किन्ने बार होनी जरूरी है? 1 बार। तो नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, हुण तक पंजाब विचों किन्ने राष्ट्रपति चुने गए हैं? 2, 3, 4 या 1? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1। हाँ जी, हुण तक पंजाब विचों किन्ने राष्ट्रपति चुने गए हैं? 1 ही राष्ट्रपति चुना गया है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, किहड़ा पंजाबी फिजी देश का प्रधानमंत्री बनया सी? सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसका आप उत्तर देख लेंगे सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा महेंद्र चौधरी। हाँ जी, किहड़ा पंजाबी फिजी देश का प्रधानमंत्री बनया सी? महेंद्र चौधरी। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, सिख राज की संसद किहड़ी संस्था नूं कहा जाता है? सो इसका अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा SGPC। हाँ जी, सिख राज की संसद किहड़ी संस्था नूं कहा जाता है, यानी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं सिख राज की संसद भी कहा जाता है। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, पंजाब नगर निगम एक्ट कदों बनया सी? सो यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसका आंसर देख लेंगे सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 1976 के। हाँ जी, पंजाब नगर निगम एक्ट कदों बनया सी? 1976 के। नैक्सट, पंजाब विच पंचायत मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट किन्नी उम्र होनी जरूरी होंदी है? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 21 साल। हाँ जी, पंजाब दे विच चाहे पंजाब की गल की जाए या किसी भी राज की गल की जाए, तो पंचायत का मैंबर बनने लई घट्टो घट्ट किन्नी उम्र होनी जरूरी है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा 21 साल उम्र होना जरूरी है। इस तरह पंचायती राज सिस्टम पहला सब तो पहला किहड़े राज विच शुरू किया गया सी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा ये राजस्थान के शुरू किया गया सी। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, पंजाब राज विच यूनिवर्सिटियां दे उप कुलपतियां दी नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट का मुख जज, मुख मंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो इसका आप आंसर देख लेंगे डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा राज्यपाल। हाँ जी, पंजाब दे विच जिहड़ियां भी यूनिवर्सिटियां होंदियां हन तो उन्होंने जो उप कुलपति होंदे हन तो उन्होंने नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
नैक्सट पंज राज संसदी सकत्तर की नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ज हाई कोर्ट का मुख्य जज। तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री। हाँ जी, राज संसदी सकत्तर की नियुक्ति किस द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। नैक्सट, पंजाब तो भारत के किन्ने प्रधानमंत्री चुने गए हैं, चुने जा चुके हैं? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा तीन। हाँ जी, पंजाब तो भारत के किन्ने प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा तीन। नैक्सट, राज भाषा को राज भाषा दर्जा देने का अधिकार किस को है? हाई कोर्ट, विधान परिषद, विधान मंडल या संसद? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा विधान मंडल। हाँ जी, राज भाषा राज भाषा को दर्जा देने का अधिकार किस को है? विधान मंडल को है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, खालसा राज पार्टी की स्थापना कदों हुई सी? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा 2002 के। हाँ जी, खालसा राज पार्टी की स्थापना कदों की गई सी? 2002 के की गई सी। सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, पंजाब जिला प्रशासन का तुरा किस को कहा जाता है? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा डिप्टी कमिश्नर। हाँ जी, पंजाब जिला प्रशासन का तुरा किस को कहा जाता है? डिप्टी कमिश्नर को कहा जाता है। सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट, हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक संगीत साज है? टोल, टड, डफली जां उपरोक्त सारे? तो इसका आप उत्तर देख लेंगे डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, ये सारे ही अपने को संगीत साज हैं। टोल भी संगीत साज है, टड भी, डफली भी, होर भी अपने को बहुत होंगे हैं, जिमें कि डमरू हो गया, रबाब हो गया, तौस हो गया। तो ये सारे अपने को संगीत साज हैं। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, किहड़ा साज ताड़ी की तरह वजाया जाता है? सप, चिमटा, तुंबी ज अलगोजा? तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा चिमटा। हाँ जी, चिमटा जिहड़ा साज है ये बिल्कुल ताड़ी की तरह वजाया जाता है। नैक्सट आप मूव करते हाँ, हाँ जी, किहड़े साज की शुरुआत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने की सी? तानपुरा, तबला, तौस या डफली? तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा तौस। हाँ जी, किहड़े साज की शुरुआत श्री गुरु गोबिंद सिंह ने की सी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा तौस। बट कुछ बुक्स में थोड़ा श्री हर गोबिंद सिंह जी भी सॉरी श्री हर गोबिंद जी भी थोड़ा मिलेगा कुछ बुक्स के। सो इस गल में तुम्हें ध्यान में रखना है। बट जो भी अपने को एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा तो अपने को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ऑप्शन होगा ज श्री गुरु हर गोबिंद जी ऑप्शन होगा। सो इस गल में तुम्हें ध्यान में जरूर रखना है। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित किहड़ा साज है? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा रबाब। हाँ जी, श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित किहड़ा साज है? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा रबाब। नैक्सट, अमीर खुसरो ने किहड़े साज की शुरुआत की थी? सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार अलग अलग कंपीटेटिव एग्जाम रिपीट भी हो चुका है। तो इसका अपने को उत्तर रहेगा सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। हाँ जी, अमीर खुसरो ने जिहड़ा सरंदा साज है एंड तबला साज है इसकी शुरुआत की सी। नैक्सट, किहड़े साज की रचना भगत मुनि जी ने की सी? काटो, सितार, सरौंद जां बुगचू? तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा सी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सरौंद। हाँ जी, किहड़े साज की रचना भगत मुनि जी ने की सी? तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा सरौंद। हाँ जी, नैक्सट अपना प्रश्न है, पंजाब विच गुड्डियां बनाउण दा मुख केंद्र कित्थे है? लुधियाणा, चंडीगढ़, फिरोजपुर जा जलंधर? सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसका अपने को सही उत्तर की रहेगा बी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा चंडीगढ़। हाँ जी, पंजाब विच गुड्डियां बनाउण दा मुख केंद्र कित्थे है? तो यह है चंडीगढ़ दे विच। पंजाब की स्पोर्ट सिटी जलंधर, पंजाब की उद्योगी राजधानी लुधियाणा। नैक्सट आप देख लेंगे, हाँ जी, हेठ लिखा विचों पंजाब की कला की चोण करो, बोहिए, पीढ़ियाँ, बुनाई ज उपरोक्त साए? तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं डी, इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे। ये सारिया अपने को पंजाब दी कला हैं, बोहिए भी, पीढ़ियाँ भी, तो बुनाई भी। नैक्सट, पंजाबी मुटियार के दहेज का गहना किहड़ा मन्या जाता है? फुलकारी, बुनाई, कढ़ाई ज चमड़ा, दस्तकारी? तो इसका अपने को सही उत्तर की रहेगा
ए इस दा बिल्कुल राइट आंसर होगा फुलकारी। हाँ जी, पंजाबी मुटियार दे दहेज दा गहना कहड़ा मन्या जाता है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा फुलकारी। इतने अपने को ऑप्शन रोंग है, आंसर इतने अपने को रोंग दस्या, बट इसका फुलकारी आंसर बिल्कुल सही होगा। नैक्सट, हेठ लिखा विचों केड़ा गहना मर्दा दा है, सरपेश, कुलगी, कुतबली दर जा उपरोक्त सारे, तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन का उपरोक्त सारे। ये सारे अपने को गहने जो हैं ये मर्दा के गहने हैं। नैक्सट, तख्ती नाम का जोड़ा गहना ये कितने पाया जाता है, कान के बीनी के गला ज सिर के, इस आप उत्तर देख लेते हैं सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा गले के। हाँ जी, तख्ती नाम का जोड़ा गहना है ये कितने पाया जाता है, ये गले के पाया जाता है। सो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट, मुरकी नाम का जोड़ा गहना ये कितने पाया जाता है, सिर, कन्न, वीनी ज हथ। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कन्न के। हाँ जी, मुरकी नाम का जोड़ा गहना है ये कितने पाया जाता है, ये कन्न के पाया जाता है। नैक्सट, इन्हां विचों केड़ा औरतों का गहना है, तो इस अपने को उत्तर रहेगा डी यानी कि उपरोक्त सारे। ये सारे ही अपने को गहने जो हैं चौंक, मौली, दामणी, ये सारे ही अपने को गहने जो हैं ये औरतों के गहने हैं। सो इस कारण तुसी ध्यान में जरूर रखना होगा। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे। हाँ जी, सग्गी फुल की है, गहना है, त्यौहार है, दस्तकारी है, जां नाच है। हाँ जी, इस आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ये एक गहने का नाम है। हाँ जी, सग्गी फुल की है, ये एक गहना है। नैक्सट, गुलबंद नाम का गहना है जो, तो ये औरतें कितने पाउंदियां हैं, गले के नक, कन्न ज सिर। ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा गला। जी, गुलबंद नाम का जोड़ा गहना है, तो ये औरतें कितने पाउंदियां हैं, ये गले के पाया जाने वाला गहना है। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे। हाँ जी, लौंग नाम का जोड़ा गहना है ये कितने पाया जाता है, नक्, सिर, कन्न ज बीनी के। तो इसका उत्तर देख लेते हैं सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कन्न के। हाँ जी, लौंग नाम का जोड़ा गहना है ये कितने पाया जाता है, ये कन्न के पाया जाता है। नैक्सट, बणका नाम का गहना है जोड़ा ये कितने पाया जाता है, बीनी के कन्न मत्था ज सिर। तो इसका आप उत्तर देख लेते हैं। हाँ जी, सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मत्था। हाँ जी, बणका नाम का जोड़ा गहना है कितने पाया जाता है, ये मत्थे पर पाया जाता है। नैक्सट, मांगी का जोड़ा मेला है ये किड़े शहर के लगता है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री मुक्तसर साहब। हाँ जी, जोड़ा मांगी का मेला है किड़े शहर के लगता है, ये मुक्तसर साहब के लगता है, यानी कि जो लोहड़ी होंगी है लोहड़ी तो अगले दिन ही मांगी का मेला लगता है मुक्तसर साहब के, यानी कि माघ का जोड़ा पहला दिन होंगे है उस दिन मांगी का मेला लगता है, एंड जोड़ा पोह का लास्ट ही दिन लास्ट दिन होंगे है तो उस दिन लोहड़ी मनाई जाती है, यानी कि लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। मुक्तसर का पुराना नाम की सीगा, खिदराने की टाप। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे। हाँ जी, किला रायपुर का मेला कितने लगता है, जलंधर, पठानकोट, हुशियारपुर ज लुधियाना। तो इस अपने को उत्तर की रहेगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा लुधियाना। हाँ जी, किला जो रायपुर का मेला है ये कितने लगता है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा, ये लुधियाने के लगता है। नैक्सट, शीतला माता के सम्मान में कौन मेला लगता है, इतने अपने को प्रश्न पूछा गया, इतने अपने को थोड़ी कन्फ्यूज है, इस प्रश्न तुम छड़ सकते हो। बाबा सोडल मेला जोड़ा है ये कितने लगता है, ये इतने अपने को प्रश्न पूछा गया, जलंधर, लुधियाना, अमृतसर ज फिरोजपुर। तो इसका आप उत्तर देख लेंगे, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा जलंधर के। हाँ जी, जो बाबा सोडल मेला है ये कितने लगता है, ये जलंधर के लगता है। सो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट, गुग्गा पीर की याद में किहड़ा मेला मनाया जाता है, छपार का मेला, गुग्गा नौमी, उपरोक्त दोनों ज उर्स का मेला। तो इसका अपने को उत्तर की रहेगा, ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा छपार का मेला। हाँ जी, जो छपार का मेला है जो कि लुधियाने के लगता है, तो यह गुग्गा पीर की याद में मेला मनाया जाता है। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे। हाँ जी, मुसलमान पीर अब्दुल कादर जलानी की याद में किहड़ा मेला लगता है, रोशनी का मेला, शहीदी जोड़ मेला ज उर्स का मेला, जो कोई नहीं। सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उर्स का मेला। हाँ जी, मुसलमान पीर अब्दुल कादरी जलानी की याद में किहड़ा मेला लगता है, उर्स का मेला लगता है। नैक्सट, लोहड़ी का त्यौहार किहड़े महीने में मनाया जाता है। हाँ जी, इस अपने को सही उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा जनवरी के। हाँ जी, जो लोहड़ी का त्यौहार है ये किहड़े महीने के मनाया जाता है, ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है।
नैक्सट होला महला जिहड़ा त्यौहार है ये पंजाब के किहड़े शहर नाल संबंधित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है तो इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री अनंदपुर साहिब। हाँ जी होला महला जिहड़ा त्यौहार है ये पंजाब के किहड़े शहर नाल संबंधित है श्री अनंदपुर साहिब नाल संबंधित है। किन्ने दिन चलता है 3 दिन चलता है। इस तो अलावा जेकर आप गल करिए होले महल की शुरुआत हुई सी 1700 ईस्वी के सो इस डेट में तुसी ध्यान में रख सकते हो। नैक्सट आप मूव करते हाँ रबी की फसलों की कटाई नाल संबंधित किहड़ा अपने को त्यौहार है विसाखी का त्यौहार माघी का त्यौहार लोहड़ी का त्यौहार जां इन्हां विच्चों कोई नहीं तो इसका आप आंसर देख लेंगे ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा विसाखी का त्यौहार। हाँ जी रबी की फसलों की कटाई नाल संबंधित किहड़ा त्यौहार है तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा विसाखी का त्यौहार। नैक्सट तियां का त्यौहार कि महीने में मनाया जाता है ये अपने को प्रश्न पूछा गया सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सावन के महीने में तियां का त्यौहार मनाया जाता है। नैक्सट रखड़ी का त्यौहार कि महीने में आता है थोड़ा पता कि रखड़ी आने वाली है तो इस अपने को उत्तर होगा ए यानी कि भादों महीने के रखड़ी का त्यौहार कि महीने में मनाया जाता है भादों महीने के मनाया जाता है। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे हाँ जी हेठ लिखियां विचों किहड़े शहर दे विच दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम नाल मनाया जाता है सरहंद आनंदपुर साहब अमृतसर जां श्री मुक्तसर साहब तो इस आप उत्तर देख लेंगे सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अमृतसर के। हाँ जी इन्हां विचों किहड़े शहर दे विच दिवाली का त्यौहार धूमधाम नाल मनाया जाता है तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा अमृतसर के। इस तों अलावा दिवाली का त्यौहार किहड़े गुरु नाल संबंधित है तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा सिखां दे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी नाल संबंधित है दिवाली का त्यौहार। नैक्सट शेख फरीद जी का मेला कितने लगता है तो इसका पुत्र देख लेंगे ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फरीदकोट। हाँ जी शेख फरीद का जोड़ा मेला है कितने लगता है ये फरीदकोट विखे लगता है। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे हाँ जी मेला गदरी बाबा का कितने लगता है तो इसका अपने को उत्तर होगा ए यानी कि जलंधर के। हाँ जी मेला गदरी बाबा का कितने लगता है ये जलंधर के लगता है। नैक्सट विसाखी का मेला कितने लगता है तो इसका अपने को उत्तर होगा डी यानी कि उपरोक्त सारे। हाँ जी विसाखी का जोड़ा मेला है ये तख्त श्री दमदमा साहब भी मनाया जाता है तख्त श्री तलवंडी साबो भी इस तों अलावा तख्त श्री अकाल तख्त साहब भी मनाया जाता है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी हेठ लिखा विचों किहड़ा औरतों का नाच है तो इसका आप उत्तर देख लेंगे बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा सम्मी। हाँ जी जो सम्मी नाच है ये औरतों का नाच है बाकी अपने को सारे मर्दों के नाच हैं भंगड़ा जुली और लुड्डी। हाँ जी नैक्सट आप मूव करते हाँ हाँ जी हेठ लिखा विचों पंजाबी कुड़ियों का नाच किहड़ा है किकली डंकारा सम्मी जां गिद्दा तो इस अपने को उत्तर पेगा ए यानी कि किकली। हाँ जी जिहड़ा किकली नाच है ये कुड़ियां दा नाच है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी केड़ा नाच झूमर नाच का ही सुधरिया रूप है किकली गिद्दा जागो जां तमाल तो इस अपने को उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा गिद्दा। हाँ जी जिहड़ा गिद्दा नाच है ये अपने को झूमर नाच का ही सुधरिया रूप है सो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। नैक्सट हेठ लिखा विचों केड़ा नाच मर्दां दा है लुट्टी भंगड़ा जुली जां उपरोक्त सारे तो इस अपने को उत्तर की रहेगा डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सारे। हाँ जी लुट्टी भी अपने को मर्दों का नाच है भंगड़ा भी तो जुली भी जुली जोड़ा नाच है ये अपने को जो नाच होंगे इसको इकला आदमी भी कर सकता है। अपने को प्रश्न पूछा जा सकता है कि किहड़े नाच में इकला ही आदमी कर सकता है तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा जुली नाच। नैक्सट हेठ लिखा विचों किहड़े नाच का आरंभ श्री गुरु हरगोबिंद जी ने किया तो इस अपने को उत्तर की रहेगा ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा गतका। हाँ जी जो गतका है तो इसका आरंभ किन्होंने किया श्री गुरु हरगोबिंद जी ने किया। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे हाँ जी बाबा का गिद्दा किहड़े नाच में कहा जाता है सो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इस अपने को उत्तर की रहेगा बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मड़वाई गिद्दा। हाँ जी बाबा का गिद्दा किहड़े नाच में कहा जाता है मड़वाई गिद्दे को कहा जाता है। थोड़े को प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबा का गिद्दा अपने को खेत्र नाल संबंधित है तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा ये मालवे खेत्र नाल संबंधित है सो इस गल नूं तुसीं ध्यान में रखना है एंड इसकी शुरुआत किहड़े जिले तो होंदी है संगरूर जिले तो हुई सी इसकी शुरुआत अपने को शुरुआत भी पूछी जा सकती है। नैक्सट कणक की वाढ़ी वेले किहड़ा नाच हुंदा है
तां इस अपने को उत्तर की रहेगा डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा भंगड़ा। हाँ जी कणक की वाढ़ी वेरे कहना नाच हुंदा है भंगड़ा नाच हुंदा है। सो इस गल नूं तुसीं ध्यान में जरूर रखना है। इस तरह जो कारथी नाच है ये कणक की वाढ़ी समय किया जाता है, दोनों तुसीं याद रखना होगा। नैक्सट आपां प्रश्न देख लेंदे हाँ जी, हेठ लिखिया विचों किहड़ा नाच मर्दां अते औरतां दोनों का है, कारथी जिंदुआ उपरोक्त दोनों जां जुल्ली। तो इस अपने को उत्तर की रहेगा सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों जी। दोनों ही नाच जो हैं अपने को कारथी अते जिंदुआ ये मर्दां अते औरतां दे नाच हैं, यानी कि समूहिक नाच हैं। नैक्सट आपां देख लेंदे हाँ जी, पंजाबी भाषा नूं पंजाब राज की दफ्तरी भाषा कदों ऐलाना गया सीगा। हाँ जी इत्थे अपने को दफ्तरी भाषा की गल की गई है, सो ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। शायद इस तो अपने को आंसर नहीं दिता होया, तो आप नैक्सट मूव करते हाँ। पंजाबी भाषा नूं पंजाब राज की दफ्तरी भाषा कदों ऐलाना गया सीगा, तुसीं याद रख सकते हो ये एक्ट बनया से अपने को 1967 दे विच। सो तुसी एक्ट नूं याद रखना होगा, पंजाबी भाषा का एक्ट कदों बनया सी 1967 दे विच। नैक्सट आपां प्रश्न देख लैंदे आ हाँ जी, पंजाब का पुरातन साहित्य किस तो शुरू हुंदा है, तो इस अपने को उत्तर की रहेगा ए इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बाबा फरीद तो। हाँ जी पंजाब का जिहड़ा पुरातन इतिहास है साहित्य सॉरी तो यह किस तो शुरू हुंदा है, ये बाबा फरीद जी तो शुरू हुंदा है। नैक्सट किस नूं गंज ए शक्कर कहा जाता है, गंज ए शक्कर की उपाधि किसने धारण की सी, तो इस अपने को उत्तर की रहेगा सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बाबा फरीद जी ने। हाँ जी बाबा फरीद जी ने ही गंज ए शक्कर की उपाधि धारण की सी। ये प्रश्न अपने को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नैक्सट हेठ लिखा विचों केड़ी रचना श्री गुरु नानक देव जी की है, सिद्ध गोष्ठ दखनी ओंकार कीर्तन सुहैला ज उपरोक्त सारे, तो डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सारे, यानी कि सारिया ही रचनावान जो हैं सिद्ध गोष्ठ दखनी ओंकार कीर्तन सुहैला तो अपने को सारिया ही रचनावान श्री गुरु नानक देव जी दिन। इस तो अलावा जपजी साहब जो रचना है ये भी श्री गुरु नानक देव जी की है, सो इस गल भी तुम्हें ध्यान में रखना है। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे हाँ जी, गौड़ी माझ किहड़े गुरु की रचना है, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी। तो इस आप आंसर देख लेंगे बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री गुरु अर्जन देव जी। हाँ जी गौड़ी माझ जी की रचना है ये किहड़े गुरु जी की है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा श्री गुरु अर्जन देव जी। नैक्सट किस नूं पंजाबी विच काफ़ी रूप की रचना का जन्मदाता कहा जाता है, हाँ जी इस अपने को सही उत्तर की रहेगा डी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बुले शाह। हाँ जी किस नूं पंजाबी साहित्य विच काफ़ी रूप का जन्म काफ़ी रूप की रचना का जन्मदाता कहा जाता है, तो थोड़ा सही उत्तर की हो जाएगा बुले शाह। हुण जेकर आप गल करिए पंजाब का शेक्सपीयर, तो पंजाब का शेक्सपीयर वारस शाह कहा जाता है, इस तरह भारत का शेक्सपीयर कालीदास को कहा जाता है, सो इस गल नूं तुसीं ध्यान में रखना है। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, 24 अवतार किहड़े गुरु की रचना है, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अंगद देव जी। तो इस दा आंसर देख लेंदे आ बी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। हाँ जी 24 जिहड़ी अवतार रचना है ये किहड़े गुरु की है, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। इस तरह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी होर अपने को बहुत सारिया रचनावान हैं, जिमें कि चित्र नाटक वार श्री भगौती जी की, इस तो अलावा चंडी की वार, चंडी चरित्र, ये सारिया अपने को रचनावान जो हैं ये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दचनावान हैं। एंड जोड़ा जफरनामा पत्र भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा लिखा गया औरंगजेब को। नैक्सट आप देख लेंगे हाँ जी, जफरनामा किहड़ी भाषा में लिखा गया सी, इत्थे अपने को प्रश्न पूछा गया है, सो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सी इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा फारसी भाषा के। हाँ जी जफरनामा पत्र जिहड़ा सीगा इसका मीनिंग होता है जित दा पत्र, तो यह फारसी भाषा के लिखा गया से। नैक्सट आप प्रश्न देख लेंगे हाँ जी, मक्के गया गल मुकदी नाहीं किस दी रचना है, बुले शाह, वारस शाह, हाशम शाह, कादर यार। तो इसका उत्तर देख लेंदे आ ए इस दा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बुले शाह। हाँ जी मक्के गां गल मुकदी राही ये किस की रचना है, बुले शाह की रचना है। हीर रांझा किसने लिखा सी, वारस शाह ने। नैक्सट पंजाब का शेक्सपीयर किस नूं कहा जाता है, ऑलरेडी मैं तुहानूं दस चुकिया हाँ, तो इसका अपने को उत्तर हो जाएगा वारस शाह नूं पंजाब का शेक्सपीयर कहा जाता है। नैक्सट हीर रांझा किस की रचना है, वारस शाह, कादर यार, दमोदर, शाह हुसैन।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਵਰਨ ਜੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1854 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੁੰਦਰੀ ਰਾਜਾ ਲੱਖਦਾਤਾ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲੱਖਦਾਤਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਸੁੰਦਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰੀ ਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਮੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅੰਨੇ ਕੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਕੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰ ਪਿੰਜਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਚਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੈਕਸਟ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਾਂਜੀ 1962 ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਏ ਐੱਮ ਸੀ ਕਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਰਡਜ਼ ਵਰਥ ਕਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਖੋਜ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣਾ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹਰਟਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਹੈਗੇ ਹਨ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹਰਟਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਂਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹਰਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਫੇਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਨਸਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ
तो इस अपने को उत्तर की रहेगा सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मंडी गोबिंदगढ़। हाँ जी पंजाब की स्टील सिटी किस में कहा जाता है मंडी गोबिंदगढ़। नैक्सट पंजाब के किड़े शहर में झीलों का शहर कहा जाता है तो इस अपने को उत्तर आएगा ए यानी कि बठिंडा। हाँ जी जो बठिंडा शहर है इसनों झीलों का शहर भी कहा जाता है। सो यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बठिंडे का पुराना नाम से विक्रमगढ़। तो इतने अपने हुण एम सी क्यू खत्म हो जाते हैं। नैक्सट आप कुछ होर महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। पंजाब की स्पोर्ट्स सिटी जलंधर, पंजाब की सब तो वड्डी दाणा मंडी खन्ना, पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना, फर्नीचर सिटी ऑफ पंजाब करतारपुर, पंजाब का उद्योगिक शहर लुधियाना, सिखां की धार्मिक राजधानी अमृतसर, पंजाब का चिट्टा शहर आनंदपुर साहब, इस तरह बठिंडा का पुराना नाम विक्रमगढ़ और तापर हिंद, फाजिलका का पुराना नाम बंगला, मुक्तसर का पुराना नाम खिदराने की टाव, अमृतसर का पुराना नाम गुरु का चक और रामदासपुरा, आनंदपुर साहब का पुराना नाम है चक नानकी माखोवाल। सो इस दे नाल ही लगभग अपना पंजाब जीके का 90% सिलेबस कंप्लीट होता है। ये वीडियो थोनों किस तरह लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर दसना है। एंड जेकर थोनों ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो में लगभग अपने 20 फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना है। इस तो बाद भी शेयर जरूर कर सकते हो क्योंकि थोनों भी पता है कि वीडियो बनाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। PDF के लिए तुसी साड़ी एप्लीकेशन ते विजिट कर सकते हो। एप्लीकेशन की लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड करवा दी गई है। सो हुणे ही जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड इन MCQ की PDF तुसी उत्थों डाउनलोड कर सकते हो। सो हुण आपां अज दी इस वीडियो नू इत्थे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। थैंक यू।